संजना, हम दोनों खुश नहीं हैं। ऐसा लगता है जैसे हम साथ रहकर कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। हमारे रिश्ते में वो बात नहीं रही। हमारी शादी इट्स नॉट वर्किंग आउट। ठीक है राज, मैं तुम्हें इस रिश्ते में नहीं बांधूंगी। तुम आजाद हो। मैंने कह रहा कि तुम्हारी मिस्टेक है, गलती मेरी है। आदमी जिससे प्यार करता है ना, उसे शादी नहीं करनी चाहिए, प्यार खत्म हो जाता है ना? पता नहीं, पर मुझे किरण से शादी कर लेनी चाहिए थी। मेरी दीवानी थी वो, हॉट थी, आग थी आग, मुझे जला कर राख कर देती। अरे मुझे समझ में नहीं आता कि हस्बैंड वाइफ सचमुच झगड़ा कैसे कर लेते हैं। तुम रो रही हो? ये किरण कौन थी कौन? किरण? जो तुम्हारी दीवानी होती थी और जिससे तुम शादी करना चाहते थे? अगर अरे बाबा, झूठ मूठ का झगड़ा था और झूठ मूठ की किरण थी। सचमुच में कोई तुम्हारी जिंदगी में आ गई ना, तो मैं जी नहीं पाऊंगी, ए मर संजना, पागल जाऊंगी। हो गई हो क्या? मेरी जिंदगी में सिर्फ तुम थी, तुम हो और तुम ही रहोगी। चल, आई लव यू, कम इन। बाय लव। योगी 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 YOGI योगी, फॉरगेट इट। हंसा तू मुझे बर्बाद करके। कूल है डूड, किसी और का गुस्सा मुझ पे क्यों उतार रहा है? तेरा गुस्सा चीने पे निकाल रहा था, तेरी वजह से नुकसान हो गया मेरा। नुकसान? हाँ, वो जो यॉट की डील हुई थी ना, विक्रम भाई कहते तेरी वजह से कैंसिल हो गई। तुम क्या चाहते हो कि कंपनी बंद हो जाए? क्या किया मैंने? तुम उस लड़की को यॉट दिखाने गए थे, गाना सुनाने गए थे, क्या किया है? देखो, आंखें शराब सी नशीली तेरी है, ये रात तेरे केसुओं में ठहरी है। आज तो डांटना यार। रब ने तुझे मेरे लिए ही भेजा है, ओ किरण तू मेरी है। ओ माय गॉड, ये गाना तुमने मेरे लिए बनाया है? मैडम, इनको एक ही गाना आता है जो हर लड़की को सुनाते हैं, बस एंड में लड़की का नाम रिप्लेस कर देते हैं। भाई आगे दिखाओ ना भाई, थोड़ा सा प्लीज प्लीज। यू नो, वैसे तो मैं यॉट का बिजनेस करता हूँ, लेकिन तुम्हें देखकर न जाने कहाँ से पोएट्री आ गई। यू आर सो अमेजिंग, आई थिंक आई एम जस्ट फॉलिंग इन लव विद यू। अब मैं नहीं, मेरी धड़कनें गाएंगी। अरे भाई आप... लाइट बंद करना याद रहा, पर्दे बंद करना याद रहा, कैमरा बंद करना याद नहीं रहा? पता है उस लड़की की माँ आई थी यहाँ। माँ? हेलो, यू डोंट नो हु आई एम? ऐसे लोगों को अपनी कंपनी में रखते हो? यू वेट एंड वॉच मिस्टर, आई एम गोइंग टू गिव दिस सीडी टू द पुलिस। राज, यू आर फिनिश्ड। अरे तो हंस क्यों रहा है? अगर लड़की की माँ आई थी तो बॉस ने उसे पुलिस स्टेशन तो क्या कहीं भी नहीं जाने दिया होगा। बताइए ना बॉस। भाई साहब, औरतों को मुझसे ज्यादा कोई नहीं समझता। औरत की सबसे बड़ी कमजोरी होती है कि वो एज में कभी बड़ी होना नहीं चाहती है। मैंने पहला तीर वही छोड़ दिया। आप उस लड़की की माँ है? ऐसे तो टीवी सीरियल में होता है कि माँ बेटी से छोटी लगे। आप एक बार बोले कि मैं बहन हूँ तो मान भी सकता हूँ। आप मजाक कर रहे हो? Well, thanks for the compliment. But it's true. She is my doctor. और जैसे ही थोड़ी ढीली पड़ने लगी, मैंने दूसरा तीर छोड़ दिया तारीफ का, जिसकी की हर औरत भूखी होती है। आपकी आंखें, आपके होंठ, आप अगर परमिशन दें तो मैं थोड़ी देर आपकी आंखों में देख लो, देख लो। फिर क्या,
आई थी डील कैंसिल करने, एक ही जगह दो यॉट लेके गई। भाई आप दोनों को देखकर ना कभी कभी मुझे बहुत चलन होती है। क्यों? अरे आप दोनों खुलेआम अय्याशी करते हैं और पकड़े नहीं जाते, और मैं छुप छुप के करता था और पकड़ा गया। और जानते हो भाई, मुझे आज तक पता नहीं चला कि मेरी बीवी का वो बेस्ट फ्रेंड कौन था, वो दोस्त कौन था जिसने जासूसी की और मुझे फंसा दिया। पर बात कर शिवानी। अरे आप ऑफिस से जल्दी घर आ गए? अरे कहाँ जा रहे हो? वापस ऑफिस। नेक्स्ट टाइम आने के पहले तुमको फोन करूंगा, तुमसे परमिशन लूंगा, तुम बोलोगी तो घर पे आऊंगा, नहीं तो वहीं सो जाऊंगा ऑफिस में। मैंने खुशी के मारे पूछ लिया था। खुश दिख तो नहीं रही हो तुम? मैं अंदर से बहुत खुश हूँ। अच्छा तो अपनी आंखों के अंदर मैं एक्सरे मशीन फिट कर रहा हूँ जो तुम्हारे अंदर ही खुशी देख सके। तो चाय लेके आओ। सर कहाँ? सॉरी मैं अभी नहीं। तो इसको तब तक ऐसे ही पकड़ के बैठा रहा हूँ? ये चाय कप है कि वर्ल्ड कप है? दीजिए मैं। एक बात बताओ, तुम यहाँ से किचन तक जाओगी, वहाँ सॉसर निकालोगी, फिर कप को उसके ऊपर रखोगी, फिर वहाँ से यहाँ तक चल के आओगी, तब तक चाय ठंडी नहीं जाएगी? तो मैं गर्म कर लाती हूँ। भोली बन रही हो? पता नहीं चाय को दोबारा गर्म करने से जहर बन जाती है। जहर ऐसे ही खिला दो यार, मर जाते हैं हम। तो मैं नहीं बना कर लाती हूँ। नहीं? अरे चाय के बागान है मेरे, शुगर मिल्स खोल रखी है मैंने, दूध की डेरिया है मेरी, चाय बना बना के बर्बाद करना चाहती हूँ मुझे। रो रही हो? नहीं मैं नहीं रो रही हूँ। तू आंखों से पानी बह रहा है? अरे ऐसा क्या कह दिया मैंने यार? हस्बैंड हूँ तुम्हारा, इतनी सी बात समझा नहीं सकता तुमको मैं? बोला तो मैं नहीं रो रही हूँ। नहीं रो रही हो तो जरा हंस के दिखाओ। जब रो नहीं रही हो तो हंस के दिखाओ। हंस के दिखा क्यों नहीं सकती? हंसो, अच्छी तरह हंसो। हाँ ये हुई ना बात, ऐसे ही खुश रहा। ओके बाय, मैं बाद में बात करती हूँ तुमसे। अरे संजना, हाय। हाय भाई साहब, कुछ ज्यादा शॉपिंग कर लिया आपने? अरे बेबी जाओ दौड़ के हमारे लिए दो कप कॉफी लेके आओ ना प्लीज। सो हाउस राहत? बेबी यहाँ क्यों रख रहे हो? साथ में लेके जाओ ना, कौन देखेगा। अच्छा बेबी सुनो, जरा वो काउंटर से मेरे सैंडल लेते हुए आना प्लीज। थैंक यू। सो हाउस राज? ये क्या है माया, ये तेरा हस्बैंड है या सर्वेंट? आई नो एक बार भाई साहब किसी लड़की के साथ पकड़े गए थे, बट दिस नॉट द वे टू ट्रीट। संजना उसने जो मेरे साथ किया है ना, मैं जिंदगी भर भूल नहीं सकती। तो फिर छोड़ क्यों नहीं देती उन्हें? अरे सोचा तो वही था मैंने, लेकिन मेरा वो बेस्ट फ्रेंड है ना, उसने मुझे समझाया कि नया कुत्ता पालने से बेटर है कि पुराने वाले को ही ट्रेन कर लो, कहीं दूसरा उससे भी बड़ा कुत्ता मिल गया तो। कुत्ता कुत्ता माया ये तो। अरे संजना ऑल मेन आर डॉग्स, और कुत्तों की जो सबसे बड़ी क्वालिटी होती है ना, लॉयल्टी और वफादारी, वो ही इन कमीनों में नहीं होती। थैंक गॉड मेरा राज ऐसा नहीं है। अरे तूने भी ये नेकलेस खरीदा? क्यों तुम्हारे पास भी है? हाँ एक पे एक फ्री ऑफर मिल रहा था, मैंने भी खरीद लिया। एक पे एक फ्री? राज ने तुम्हें दूसरा नेकलेस नहीं दिया? नहीं मतलब फ्री वाला नेकलेस किसी और को दे दिया। अरे संजना तू बहुत स्टूपिड है, तू बहुत भोली है, तुझे नेकलेस और फ्री की पड़ी है, तुझे तो ये सोचना चाहिए कि दूसरा नेकलेस दिया किसको है। चक्कर तो है, राज का किसी से अफेयर चल रहा है। यस। नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता। अच्छा तो फिर वो दो नेकलेस वाली बात छुपाई क्यों उसने? हो सकता है वो बताना भूल गया हो। अच्छा अरे टूथपेस्ट में जब ब्रश फ्री मिलता ना तो आदमी यू लेकर आता है, कहता है डार्लिंग फ्री मिला है, और वो हार बताना भूल गया।
अरे शिवानी, ये तो अच्छा हुआ कि मैंने इसे रात से कुछ पूछने नहीं दिया, वरना वो कोई बहाना बना देता और ये पगली खुश हो जाती। नहीं नहीं, वाइफ हूँ मैं उसकी, ही ओनली लव्स मी। अरे आदमी के पास जब गाड़ी होती है तब वो उसी में चलता है ना। हाँ, लेकिन साथ में स्टेपनी भी तो रखता है। सब रखते हैं, मेरे योगी ने तो गाड़ी ही घर पे पार्क कर दी थी, स्टेपनी में घूमता था। याद तो मुझे अपने घर की तरफ बढ़ती हुई नजर आ रही। योगी तो था, अब राज भी हो गया, और ये कभी भी हो सकता है। है तो तीनों दोस्त थी ना, तो कड़वे करेले हैं, तो तीसरा मीठा केला तो नहीं हो सकता। शिवानी अपनी छोड़, पहली मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर। तेरी प्रॉब्लम तो सिर्फ अब किशन ही सॉल्व कर सकता है। किशन? कौन किशन? अरे वही मेरा बेस्ट फ्रेंड, प्राइवेट डिटेक्टिव, जिसने योगी का स्टिंग ऑपरेशन किया था। अरे तो बता क्या रही है, मिलवाना इसे, वो तो फौरन पता लगा लेगा कि राज को किसका गला इसके गले से ज्यादा प्यारा लगने लगा है। कहाँ मिलेगा ये किशन? साड़ी मिल गई, मैंने अपनी इज्जत ढक ली, वरना थोड़ी देर पहले मैं नंगा दौड़ रहा था। अच्छा वो तुम्हारी वो फ्रेंड जिसके हस्बैंड के बारे में कहा था पता लगाने के लिए, कहाँ है वो लड़की? कितने साल हुए होंगे तुम्हारी शादी? 2 साल? 4 साल? माया जी क्या कमी है इसमें? लंबी है, चौड़ी है, नैन नक्श अच्छे हैं, खूबसूरत है, लेकिन दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत भी मर्द के लिए बोझ का बन जाती है, आपको पता है? जब वो बीवी बन जाती है, अंधा हो गया आपका हस्बैंड, घर में हीरा पड़ा हुआ है और वो बाहर कांच के टुकड़ों के साथ खेल रहा है। डोंट वरी, बिल्कुल सही हाथों में आ गई हो। माया जी आप इन्हें लेकर गार्डन में चलिए, मैं फटाफट चेंज करके आता हूँ। ओके,
और हाँ सॉरी, आप फिक्र मत करें, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। ये कैसा आदमी है माया, और इसका बिहेवियर, मेरे साथ क्या बकवास कर रहा था? कूल इट संजना, जरूर किशन ने राज के बारे में कुछ पता लगाया होगा, इसलिए ऐसी बातें कर रहा था। यू नो, कुछ लोगों की दूर की नजर कमजोर होती है, कुछ लोगों की पास की, लेकिन आपके हस्बैंड राज की मर्दों वाली नजर कमजोर है, उसे सिर्फ औरतें नजर आती हैं। अंदर चलिए, चलिए ना, मुझे आपको कुछ समझाना है, समझा करिए। और वैसे भी कसूर राज का नहीं, मौसम का, समर, गर्मियां चल रही है ना। वेट वेट वन सेकंड, गर्मियों से राज के अफेयर का क्या ताल्लुक? बहुत बड़ा ताल्लुक है, हिस्ट्री उठाकर देख लो, 88% डिवोर्स और ब्रेकअप गर्मियों में ही होते हैं, क्योंकि सर्दियों में बीवियां और दूसरी औरतें जो होती हैं वो एक जैसी दिखती, ऊपर से नीचे तक ढकी हुई रहती, दे ऑल कवर्ड। प्रॉब्लम तो गर्मियों में शुरू होती है जब लड़कियां छोटे छोटे कपड़े पहनकर निकलती हैं। अब मर्द मर्द होते हैं, उनकी नजर पड़ जाती है नीचे और हार चला जाता है किसी और के पास। मैडम, मर्दों का तो नेचर ये है कि उन्हें बच्चे जो हैं वो अपने अच्छे लगते हैं और बीवियां दूसरों की अच्छी लगती है। लेकिन जरूरी नहीं कि राज भी दूसरे मर्दों जैसा हो, मुझे सिर्फ उस पर छोटा सा शक हुआ है। और मैडम, एक्सपीरियंस नाम की भी कोई चीज होती है, 113 केसेस सॉल्व कर चुका हूँ, जिनमें से 111 केसेस में औरतों का शक ही सही निकला। मुझे तुम्हारे एक्सपीरियंस से कुछ लेना देना नहीं है, मुझे सिर्फ सबूत चाहिए। हाँ तो सबूत लाओ ना, आप बैठ जाइए। नहीं, आप बैठ जाइए, मैं आपको सबूत दिखाता हूँ, लेकिन दिखाने से पहले एक बात बताइए, ये आप औरतें अपने हस्बैंड के मोबाइल बिल चेक क्यों नहीं करती? उन बेवकूफों की आधी पोले तो यहीं खुल जाती। ये देखिए, ये जितने रेड मार्क किए हैं ना मैंने, ये सब लड़कियों के नंबर है। दिन भर आपके पति देव लड़कियों से बातें करते रहते। क्या हुआ? ये क्या दिखा रहे हो मुझे? जो मैं दिखाना चाहता हूँ, यहाँ ध्यान से देखिए। ये सानिया चोपड़ा नाम की लड़की को दिन में 20-20 बार फोन करता है, आपके हस्बैंड की रीसेंट गर्लफ्रेंड है ये। गर्लफ्रेंड? जी, राज मुझे सानिया से मिलवा चुका है और वो कहता है कि वो उसकी मुंह बोली बहन है। बहन? जी बहन है। यस मैडम, ये आपका हस्बैंड है ना, बहुत ही बड़ा बहन। हे मिस्टर, बहन बनाने वाला गंदा इंसान है। देखो मैडम, पढ़ा हूँ लेकिन अपना समझो तो बात। क्यों समझूं? मैं नहीं समझ सकती, क्योंकि मैं समझ गई हूँ कि तुम्हारी सोच कितनी घटिया है। यू मीन टू से गंदी? यस। गिरी हुई? यस। मुरझाई हुई? यस। भूसी हुई? यस। माया, तुम्हारे साथ यहाँ आके मैंने बहुत बड़ी गलती की है। संजना, संजना सुनो तो सही, मुझे कोई केस सॉल्व नहीं करवाना, गुड बाय। ये क्या, अभी तो हाय हेलो भी शुरू नहीं हुआ, बाय बोल के चले गए। अब क्या करोगे? कल 31st की पार्टी है ना, रंगे हाथों पकड़वा देता हूँ उस बहन बनाने वाले को, उसकी सारी बहनों को वहीं बुलाता हूँ, तभी जाके ये राज नाम की रजिया गुंडों में फंसेगी। Sorry।
लो, ध्यान से देखिए, आपको छत पे आपके पति देव नजर आएंगे नेकलेस वाली भैंजी के साथ। देखिए, लव मी, किस मी, किस ना, किस ना, किस ना, राज। संजना, जैसा तुम समझ रही हो ना वैसा नहीं है, इसे ब्रीदिंग प्रॉब्लम है, इसलिए मैं ऑक्सीजन दे रहा था। अच्छा, डाले किस ना, डार्लिंग बोल रही है, किस मांग रही है? किस नहीं, किस ना कह रही है, किस ना, क्या कि इसके बॉयफ्रेंड का नाम किस ना है, इसी से पूछ लो। हेलो हेलो, किस ना, सुना सुना और देखा भी, ये वही नेकलेस है ना, एक पे एक फ्री वाला। हाँ है तो वही फ्री वाला। अब क्या है कि तुम एक जैसे दो नेकलेस लेकर क्या करती है, इसलिए मैंने दूसरा नेकलेस अपनी गर्लफ्रेंड को दे दिया। तो ये तुम्हारी राधा है और तुम इसके किसना? ओए, मैं किसना हूँ, मैं किसना हूँ, मास्टरमाइंड, मैं किसना, मैं आ गया डार्लिंग। अच्छा तो फिर विक्रम कौन है? मैं ही हूँ दुनिया के लिए, मगर इसके लिए यही हूँ, किसना। देख रहे हैं मालिक, नाम हमारा है, दुरुपयोग ये लोग कर रहे हैं। ये मिसेस विक्रम कहाँ मर गई है? संजना, तुम सोच रही होंगी ना कि मैं कितना गिरा हुआ हूँ कि शिवानी के होते हुए भी मैंने बाहर अफेयर चला रखा है, लेकिन ये अफेयर नहीं है, ये गुनाह नहीं है, ये याशी नहीं है, ये मेरा प्यार है बॉस, ये मेरा सच्चा प्यार है। गिरो मत यार प्लीज बॉस, आज बोल लेने दे राज, मुझे आज सच बोल लेने दे, क्योंकि औरतों को जितना मैं जानता हूँ उतना कोई नहीं जानता, और वो सिर्फ सच सुनना चाहती है, और सच ये है कि जिससे प्यार हुआ उससे शादी नहीं, जिससे शादी हुई उससे आज तक प्यार नहीं हुआ। तो फिर क्या हुआ? कॉम्प्रोमाइज, समझौता, एडजस्टमेंट। अरे रुको, किस्मत है संजना, होता है, हो गया, मेरे बचपन का प्यार मुझसे खो गया। बचपन का प्यार? हाँ, बच्चे थे छोटे छोटे तब से रामलीला खेलते थे, ये राधा बनती थी मेरी, मैं इसका किसना। ऐसी कौन सी रामलीला थी जिसमें राम और सीता की जगह राधा कृष्ण की रास लीला होती थी? अबे ये कौन है? बोल, अब बोल। कितनी भोली हो तुम संजना, मेरी बीवी को देखो कितनी इंटेलिजेंट है, एक सेकंड में उसे पति का झूठ पकड़ लिया। मैं झूठ बोल रहा हूँ, पोल खुल चुकी है, अब सच बताना पड़ेगा, सच बताओ, सच बताओ, बताया नहीं जा रहा है? तो चलो उसी से पूछ लेते हैं। किसना, इधर आओ, इधर आओ। अरे भाई, पर्सनल मामला चल रहा है यार, तू आगे कहाँ जा रहा है? भाई ये लो अपनी राधा। मेरी राधा? किसना आ गया, तुम्हारा आ गया, किसना, तुम्हारा किसना आ गया, साले लड़कियों को किसना बन के मिलते हो तुम? माया को पता चले तो भाई पता तो चलेगा ना, पाप कब तक छुप सकता है? अबे ये हार माया के लिए दिया था ना, तूने इसके गले में डाल दिया। मेरे दो छोटे छोटे बच्चे हैं यार। अरे तो बच्चों के लिए झूठ बोला ना हमने। तू क्या चाहता है कि हम तेरे लिए अपना घर तोड़वा ले? हमारी बीवी आप पे शक कर रही है। माया हॉस्टल गई है बच्चों को देखने, उसके आने के पहले बचने का आइडिया दे दूंगा, तब तक संभाल ले। अबे आइडिया, दोस्त बोलकर दोस्त की बांट बजाते हो तुम लोग। अच्छा खासा वहां खड़ा था, बुला लिया, आजा कृष्णा संभाल ले अपनी राधा को। ये नहीं सोचा कि अगर माया को पता चला तो इस कृष्णा की कैसे बांसुरी बजेगी? अरे दोस्त के लिए झूठ बोला था तो झूठ पे डटे रहते ना, दा 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 दा, सब बोल दिए। अरे कौन सा कैरेक्टर समझ लेगी ये लोग तुम लोगों को, पागल है क्या? और अगर समझ भी लिया तो घर छोड़ के थोड़ी चली जाएगी यार। अरे दो चार अफेयर तो वैसे भी बीवियां माफ कर देती है यार, जानती है ये लोग कि हम साले मर्द कैसे कुत्ते, मेरा मतलब है हम मर्द कैसे होते हैं। भाभी 11वां अफेयर है मेरा, 11। माया को तो पता चल जाएगा, माया मुझे माफ करेगी, बस होगी यार, बस होगी तुम लोगों की दोस्ती।
अरे तुम तो इनकी दुश्मनी के लायक भी नहीं हो। लेट्स गो, चलो यहाँ से। सबले कमीनो, कीड़े पड़ेंगे तुम लोगों को, सीधे नर्क में जाओगे नर्क में। सालो तीन तीन मिलकर अकेले आदमी को सता रहे हो कमीनो, देख लूंगा तीनों को, भले एक एक करके देखना पड़े। ये क्या, शादी हो गई है फिर भी बूंदियां लूट रहा साला, शर्म आनी चाहिए। कोई है जो इसकी एक एक एक्टिविटी की खबर इसकी वाइफ तक पहुंचा रहा है। यस, ये देख मेरा मोबाइल बिल संजना के पर्स से मिला। अरे इसकी सारी की सारी गर्लफ्रेंड जो है पार्टी में एक साथ आ गई, इत्तेफाक थोड़ी हो सकता है। अरे पोजो को चुप कराओ, ये क्यों बोल रहा है इतना? जी तो इसमें मैं क्या करूं? ओ इंटेलिजेंस सर्विस का इतना बड़ा ऑफिसर है, पता लगा यार हमारी एस्टेसी हुई है। आर यू क्रेजी, इतना छोटा काम मैं करूंगा? ओ चुप कराओ इस बोजो को दीवानी। जी ओ छोड़ दे उसको, ओ छोड़, निकल जा तू जा। अरे यार जा, चल 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 निकल। अरे यार अरे जब तुम्हारे डिपार्टमेंट को याशी करनी होती है तब तुम्हें राजू विक्रम याद आते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेयर आर यू, यॉट करा दो, क्रूज की टिकट करा दो, लड़कियों को घुमाना है और अभी इतना सा काम बताना है, तू बोल रहा है मैं करूं? अरे इस बोझो को चुप नहीं करा सकती तो इसको छोड़ दो दीवानी। शिवानी अरे यार मेरा मतलब ये छोटा मोटा काम है, तो बड़ा मैटर हो तो बताओ, ये इन्वेस्टिगेशन तो कोई प्राइवेट डिटेक्टिव ही कर लेगा। अरे किसने छोड़ा इसे? जी मैंने, वो आप ही ने तो कहा था। मैंने बाहर छोड़ने के लिए कहा था, अंदर में तो नहीं कहा था ना। तो काटा? हाँ वो तो कोई बात नहीं यार, हम इसे इंजेक्शन देते हैं रेगुलर, तुझे कुछ नहीं होगा, बेफिक्र। इस महीने कहाँ दिया? मैं लाया था ना, क्यों नहीं दिया? आपने कहा ही नहीं, और आपके कहे बिना तो मैं खुद टैबलेट नहीं लेती हूँ, तो कुत्ते को इंजेक्शन कैसे दे देती? केडी तुम इंजेक्शन लगवा ही लेना, कहीं मेरा बोझना मर जाए। बोझना मर जाए? हाँ इंसानों में भी तो जहर होता है ना। क्या 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 बकवास कर रही हो तुम? उस दिन आपको गार्डन में सांप ने नहीं काट लिया था? हाँ? मैं कितना परेशान हो गई थी, मैं आपके पीछे दौड़ती रही, मैं डॉक्टर को फोन करती रही, और वहाँ पर वो बेचारा सांप तड़प तड़प कर मर गया। अब आप में इतना जहर है तो आपके दोस्तों में थोड़ा बहुत तो होगा। एक काम करो जी, अब मैं ये कह रहा हूँ कि तुम कुत्ते को गार्डन से घसीट के घर के अंदर ले जाओ, इससे पहले कि मैं तुमको काटूं। बोजो मैं भी चलता हूँ। बोजो बाबा, लगता तुम्हारा टाइम ठीक नहीं चल रहा, जिसे हेल्प करने के लिए बुलाया उसे तो कुत्ते काट रहे हैं। ब्लडी बोजो, हेल्प तो की नहीं साले ने, लेकिन प्राइवेट डिटेक्टिव का आइडिया अच्छा दे गया। हाँ अच्छा आइडिया है, चलते हैं। स्टॉप क्राइंग, जस्ट स्टॉप क्राइंग, हियर शुगर लेवल इज फॉलिंग, हैव अ बनाना। ओके कम ऑन, ओपन इट, प्लीज हैव अ सीट। या कम ऑन, डोंट क्राई, गुड गर्ल। Eat your banana and go home straight, okay? Hi. आप तो वही है ना जो कल रात क्लब में लड़कियों के साथ डांस कर रहे हैं। यहाँ पर भी लड़की देखा? जी ऐसा है कि लड़कियों से मुझे बहुत सिंपैथी है। उन्हें रोता हुआ देख के मुझे अच्छा नहीं लगता, सीधा हाथ कंधे पर चला जाता है। I'm sure you understand. Oh, we do, we do. Come, come, come. ये तो अपनी जैसी लग रहा है यार। Yeah. You saw that? Okay, tell me. My wife. Oh, तो इनका चक्कर चल रहा है? चक्कर इनका नहीं, मेरा चल रहा है। तो फिर अपनी वाइफ की तस्वीर क्यों दिखा रहे? नहीं नहीं, इनकी वाइफ को इनके चक्करों के बारे में कोई बता रहा है। अच्छा 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 अच्छा। बाल बाल बचा है पिछली बार? अगली बार नहीं बचेगा। क्यों? क्योंकि भैया किस्मत कब तक साथ देगी है, इसलिए तो आपके पास आए। सही जगह आए हो, तुम्हारा काम हो जाएगा। नमस्ते भाभी। क्या है भाभी? आज माया आने वाली है और मैं जानता हूँ कि उसे आप सब कुछ बता देंगी। तो फिर ऐसा करते क्यों हो, सुधर के नहीं जाते? सुधर? मेरी कहानी सुनेंगी तो आपकी आंखों में भी आंसू आ जाएंगे। भाभी मैं राज और विक्रम की तरह ग्रेट और लॉयल तो नहीं हूँ। जलन होती है भाभी मुझे उनसे, मैं बार बार पकड़ा जाता हूँ, वो साले फंस कर भी निकल जाते हैं। राधा उनकी थी, किसने मुझे बना दिया, और मैं दोस्ती में कुछ बोल भी नहीं पाया।
वेरी गुड वेरी गुड, क्या बात है, सेम आवाज निकाल के हीरो को विलन बना दिया तुमने, हैं? वेरी गुड, अब मैं इसके दोस्तों को इसका दुश्मन बना दूंगा। जलन होती है भाभी मुझे उनसे, वो लोग रोज अय्याशी करते हैं और पकड़े नहीं जाते। मैं चाहता हूँ कि उनकी भी हालत मेरी जैसी ही हो जाए, पकड़े जाए वो लोग। उसी साले का फोन है। कूल कूल कूल, आराम से इसको यहां बुला लो, दोनों मिलके इसके साथ गोल्फ खेलते हैं। सर स्पीकर स्पीकर ऑन करो। हेलो योगी। हेलो जी योगी जी, कहाँ हैं आप? भाई स्वीटी आई है ना, स्वीटी उससे मिलने जा रहा हूँ। स्वीटी? अरे मेरी वो स्विट्जरलैंड वाली गर्लफ्रेंड भाई। अच्छा। अरे वो क्यूट सी। उसका फोन आया था, बोल रही थी कि अगले महीने शादी हो रही है, अभी पता नहीं इसके बाद कभी मिल पाऊंगा या नहीं। वैसे तू है कहाँ? अरे भाई होटल जा रहा हूँ। अरे अपनी वाली रॉयल यॉर्क। अच्छा भाई सुनो, आप लोगों के भरोसे ये रिस्क लेने जा रहा हूँ, भाई का फोन आया ना तो भाई थोड़ा संभाल लेना। हाँ हाँ संभाल लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। लव यू छोड़ूंगा नहीं साले को। आइस नहीं आई अभी तक। जल्दी क्या है स्वीटहार्ट, रात ही होगी। लगता है मौसम खराब होने वाला है, तूफान आएगा। तूफान तो आ चुका डार्लिंग। शूट, आइस आई होगी। कम फास्ट डार्लिंग। कम इन। लेकिन मोबाइल है मेरे पास, ऑन रखता हूँ माया, एक फोन तो करके आना चाहिए था। उससे क्या होता, कपड़े तो पहन लेगा ना मैं। माया लड़की अंदर है, झूठ नहीं बोलूंगा तुमसे, कुछ नहीं छुपाना तुमसे। माया इधर मुझे माफ कर दो माया, माया क्या कर रही है माया, प्लीज माया कह रही हम लोग, मेरा मतलब पार्टिसिपेट कर रहा था मैं शादी से नहीं जा सकता हूँ प्लीज माया। माया होटल वाले रोप भी नहीं देंगे। माया प्लीज माया, माया कपड़े दे दो, कपड़े नहीं तो माफी तो दे दो माया, माया सॉरी। अम्बे अम्बे भाई 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 भाई, मैं फिर से बर्बाद हो। मुबारक, कांग्रेचुलेशंस। कांग्रेचुलेशंस किस बात की? हमने तो बर्बाद किया है तुम्हें। तुमने क्यों? एक्टिंग देखो, एक्टिंग बहुत इनोसेंट बनता है कमीना साला। क्या कमीना, क्या इनोसेंट यार, क्या हुआ? अभी पता चलेगा, फिल्म दिखाओ। ये देख भाभी, आप जिस राज को इनोसेंट और सिंपल समझती है वो एक नंबर का याश है। कितनी लड़कियों के साथ इसका अफेयर है, और वो जो उसका बॉस है ना भाभी विक्रम, उससे भी बड़ा कमीना है। क्या आवाज तुम्हारी नहीं है ना? नहीं, आवाज मेरी है लेकिन मैंने ऐसे कुछ बोला नहीं है बेटा। बोले रिकॉर्ड हो गया। अरे बोला था लेकिन ऐसा नहीं बोला था यार, तुम लोगों को अपने दोस्त पे नहीं इस पायरेटेड वीडियो पे भरोसा है? हाँ है, और आज से मेरी तुम्हारी दोस्ती खत्म। बॉस आप ही बोल दो। अरे बोलना क्या, अंडरस्टूड है? चलो दोस्त को दुश्मन समझते हो, ऊपर वाला तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा देखना। ये बर्बाद करके तुम लोग भी खुश नहीं रहोगे। अबे अपनी गाड़ी ढोक योगी के बच्चे। उसे किंग, इस गाड़ी ने आपकी गाड़ी पर अटैक किया। किंग की गाड़ी पर अटैक? तुम्हारी गाड़ी है ये? हमारी नहीं नहीं, हम तो साइकिल पर आए थे। पता लगाओ ये गाड़ी किसकी है। अब क्या, गाड़ी हमारी है लेकिन रजिस्टर योगी के नाम पर है।
देखा तुम लोगों ने दोस्ती क्या तोड़ी, किंग उसका दुश्मन बन गया। वेल तुम्हारी गाड़ी तो गई, अब क्या प्रोग्राम है? गोल्फ वोल्फ खेले? आप बॉस को ले जाओ, मुझे तो सिर्फ एक गेम पसंद है, म्यूजिक। आंखें शराब सी नशीली तेरी है, ये रात तेरे गेसुओं में ठहरी है। रब ने तुझे मेरे लिए ही भेजा है, ओ सुमन तू मेरी है। ओह माय गॉड, माय हस्बैंड। हस्बैंड अब क्या होगा? तुम जानते नहीं उसे, लास्ट वीक भी उसने मुझे किसी और के साथ देख लिया था। और लास्ट वीक, और जानते हो उसे देखते ही उस पे गोली चला दी थी। गोली? वो दरवाजा क्यों नहीं खोल रही है? जल्दी 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 तुम यहाँ बाहर चुप जाओ, जाओ जाओ जाओ। तुम बाहर दरवाजा खोल दे, मैं दरवाजा आज तोड़ूंगा। प्लीज बेबी जल्दी तू? मैंने तो सुना ही नहीं, मैं तो म्यूजिक बजा रही थी। और म्यूजिक तू बजा रही थी या कोई और बजा रहा था? और कौन है यहाँ? और मैंने तो पता, कोई कंजर यहाँ मुंह काला करके गया है। कौन सी खिड़की, कौन से दरवाजे के पीछे छुपा है वो? और बाहर निकल बंदर, आज तक तेरी मैं चटनी बना दूंगा। और बाहर निकल, मैं किल यू। God, what's he doing? क्या कर रहा है ये? Hope he doesn't jump. Oh my God. Hello. Well done, कमाल के मियां बीवी हो तुम दोनों। कमाल के एक्टर हो आप? Okay, bye. Suicide. What? What? Yes. Suicide. Guys, he's going to. I know this idiot is going to jump. No jumping. Go. Relax, relax, relax. I have already informed police, media, fire brigade, internet, helicopter. Everybody's coming. Guys, you see the guy there? He's my enemy. Today, he's done. He's finished. He's hanging. Ooh la 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 la. Ooh la 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 la. ये है राज भल्होत्रा, एक आवारा, बदचलन और अय्या। अरे, ये तो राज है। अच्छा? मुझे लगा शाहरुख खान है। नहीं नहीं, ये राज ही है। मैं तो इसको बड़ा शरीफ समझती थी। शरीफ ही है। चैनल वाले बदला ले रहे हैं। यॉट खरीदने आए थे फ्री के अंदर, कैसे दे देता? कुछ भी करता है मीडिया टीआरपी बढ़ाने के लिए, आजकल किस हद तक गिर गया है। ची 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 ची। हेलो संजना, इट्स किशन। ओ गॉड, मैंने बोला था ना फोन नहीं करने को ना। सॉरी, बोलना था आपको। आई वॉज रॉन्ग, तुम्हारा हस्बैंड तो वाकई में बहुत अच्छा इंसान है, बल्कि उसकी अच्छाई तो न्यूज चैनल वाले लाइव दिखा रहे हैं। आप देख रहे हैं ओमनी न्यूज और मैं प्रीति सहोता। जूम करो, जूम। इनकी बीवी को पता कैसे चलेगा कि कौन है ये? ये आदमी जो आपके टीवी स्क्रीन पर है, राज है, एक शादीशुदा आदमी जो आज पकड़ा गया है इस बिल्डिंग में किसी दूसरी औरत के साथ। सोचिए जरा, इसकी बीवी क्या सोच रही होगी, क्या सोच रही होगी उस पर अपने हस्बैंड को इस हालत में देखकर। हेलो राज। बॉस,
मेरी पैंट उतरी हुई है और आप है मोबाइल बंद करके बैठे हुए, आप डांट रहे। मैं घर नहीं जा सकता, संजना को मुंह नहीं दिखा सकता। बॉस सोचिए सोचिए मैं क्या करूं, कहां जाऊं। मीडिया वाले कैमरे के साथ, बॉस भागना पड़ेगा। कल मिलते मरीना बे पर सुबह, ओके बाय 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 बाय। किसका फोन था इतनी रात को? तुम तो सो रही थी। नहीं, वो आपकी आवाज सुनकर जाग गई। अच्छा, फोन की इतनी घंटियां बजी उससे आंख नहीं खुली, मेरी आवाज से डिस्टरबेंस हो गया। अरे और मैं क्या करूं। मैं ऐसा करता हूं कि मैं अपना धंधा जो है बंद कर देता हूं, सारे क्लाइंट्स को बोलता हूं कि कितना भी जरूरी काम क्यों ना हो तुम रात को फोन मत करो, मेरी बीवी डिस्टर्ब हो जाती है मेरी आवाज सुन के। मैं ऐसा करूं? मैंने ऐसा तो नहीं कहा। तुम ऐसा तो नहीं कि जागते जागते सोने का नाटक कर रही थी? नहीं, मैं सच में सो रही थी। तो अभी क्या झूठ मूठ जाग रही हो? समझ में नहीं आ रहा मुझे, बात करनी पड़ेगी, सीरियस मामला है। जाओ उधर चाय बना के ले जाओ। अभी क्यों? अभी चाय पीने से मर जाएगा आदमी, रात को चाय नहीं पी सकता। अच्छा। चाय बनाओ, बाहर आ जाओ, बात करनी है, जल्दी आओ। रात के 3 बजे हैं और मेरे 12। ये लीजिए चाय, गर्मा गर्म, कप के साथ सॉसर भी है। सच में सो रहे हैं या जागते जागते सोने का नाटक कर रहे हैं? सच में सो रहे हैं? आए आए आए, सोते वक्त आप कितने अच्छे लगते हैं। ना माथे पे शिकन, ना आंखों में अंगारे, ना कोई शोर, ना शराबा। आप जागा कम करो, सोया ज्यादा करो, क्योंकि आपकी नींद में ही मेरा चैन छुपा। चाय मैं ही पी लेती हूँ। टेंशन में रात भर जागता रहा, शिवानी से चाय पे चाय बनवा के पीता रहा, तब समझ में आया योगी योगी का काम। योगी? अरे इतना पुराना दोस्त अभी नया नया दुश्मन बनाए, तुम्हें थोड़ा तो संभल के रहना चाहिए था यार, बन गए ब्रेकिंग न्यूज। बॉस अब क्या? अब मास्टरमाइंड। क्या बात है। संजना विल बी प्राउड ऑफ यू। प्राउड ऑफ मी? आरती उतारेगी तुम्हारी। आरती? आरती। हेलो मैडम, कैसी हैं आप? हूज दिस? मैडम मैं तुम्हारा वेल विशर बोल रहा हूँ, किशन। किशन किशन, दोबारा फोन मत करना, इडियट। इडियट? इसे क्या हो गया? तो मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? अच्छा मैं नहीं करूंगा, लेकिन इतना बता दो कि वो तुमने लाइव टीवी शो देखा था जो मैंने तुम्हें कहा था? हाँ देखा, पर उसके बाद जो देखा वो तुमने नहीं देखा। क्या देखा? वो नहीं बता सकती हूँ, पर इसके बाद अगर तुमने मुझे परेशान किया ना तो सीधे जेल जाओगे। तुम जानते नहीं मेरा हस्बैंड कौन है। कौन है तुम्हारा हस्बैंड? वो। हाँ वो? वो कौन है? ही इज अ ग्रेट मैन। ग्रेट? वो ग्रेट कब बन गया? साला लड़की के चक्कर में आधा नंगा बिल्डिंग में लटका हुआ था, वो ग्रेट कब हो गया? लेकिन हराम खोरों से पाला पड़ गया मेरा। हे भगवान, एक एक केस 10 के बराबर है, कसम से कहता हूँ सालों ने कोई ना कोई गेम जरूर खेला होगा। कोई बात नहीं, पता तो लगा के। अब अपने पराये हो गया, लेकिन तुम पराये होकर भी अपने से लगने लगे हो दोस्त। दोस्त तुम्हारे दोस्त है ना, कमाल के लोग हैं। तुम लड़की के साथ मस्ती करते पकड़े गए, तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो गई। वो राज, वो पकड़ा गया, वो बच गया, कैसे बताओ? विक्रम जो उसके साथ है, गेम खेला सालों ने मिलकर, केडी के हेल्प लेके। कौन केडी? CSIS, कैनेडियन सिक्योरिटी इंटेलिजेंस सर्विस का ऑफिसर। दोस्त है वो मेरा, उसने मेरे को सब कुछ बता दिया। पहले उनकी मदद ली, फिर संजना भाभी को हेडक्वार्टर लेके गए। Yes, please. There should not be any. यहाँ क्यों ले आए हो मुझे? आप अंदर चलिए, प्लीज सब समझ में आएगा। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग राज, तेरी
वाइफ आ गई राजू, आपको मेरा रेजिग्नेशन एक्सेप्ट करना ही होगा। आई एम सॉरी ऑफिसर, दैट्स नॉट पॉसिबल। दुनिया मुझे बुरा समझ ले, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अपनी वाइफ की नजरों में गिरकर मैं कैसे जी पाऊंगा? मुझे टीवी पर देखकर उसे तो यही लगा होगा ना कि उसका हस्बैंड कैरेक्टर लेस है, वुमनाइजर है। अम्मे अम्मे संजना, तुम सर ये क्या किया आपने संजना को यहां पुलिस हेडक्वार्टर्स में लाना पड़ा। राज, तुम जितने बहादुर ऑफिसर हो हमारे, उतने ही वफादार हस्बैंड भी। तुम्हारी लॉयल्टी ने इस डिपार्टमेंट के सारे उसूल तोड़वा दिए मुझसे। राज, तुम ये सब शादी के बाद से या पहले से? ओह माय गॉड, मुझे एहसास भी नहीं हुआ। तो फिर वो यॉट का बिजनेस? फ्रंट दिखावा, गवर्नमेंट का है। पता है विक्रम भैया, जब से ये टेलीविजन पे आया है ना, तब से मेरी सारी फ्रेंड्स मुझसे नजरें चुराने लगी हैं। आसपास के सब लोग हंसने लगे हैं। मैं अब उन सबको बताऊंगी कि मेरा हस्बैंड कौन है। He's just not an ordinary cop. He's an undercover agent. He's a hero. ऐसी गलती कभी मत करना संजना, वरना तुम मुझे हमेशा हमेशा के लिए खो दोगी। हाँ संजना, हजारों दुश्मन है हमारे, इसके तो लाखों हैं। काम इतने बड़े बड़े किए हैं, शहर का क्राइम खत्म किसने किया? किसने? किंग के भाई को किसने मारा? किसने? और किंग तो पागलों की तरह ढूंढ रहा है उस ऑफिसर को, जिस दिन ये हाथ लग गया उस दिन खत्म। हाँ संजना, तुम इस दुनिया की पहली और आखिरी औरत हो जिसे ये पता चल चुका है कि उसका हस्बैंड एक अंडरकवर कॉप है। पहली? शिवानी को भी नहीं पता? ये बात तुम अपनी परछाई को भी नहीं बता सकती। भूल जाना कि तुम यहां कभी आई थी। मैंने ना कुछ सुना ना देखा, मैं यहां आई भी नहीं। आई लव यू राज, आई एम सो प्राउड ऑफ यू, आई लव यू, आई लव यू। यानी कि दोनों को अय्याशियों का लाइसेंस मिल गया। हाँ, और इस बार तो अय्याशी के सारे बांध तोड़ देंगे, लड़कियों के साथ मिलकर डांस करेंगे, और अगर बीवियों ने देखा तो बोलेंगे हम ड्यूटी पे हैं। We are on a mission. We are the
रहेगी तो चाहे तो प्यार दो हम पे बाबे हमने किस क्या बिगाड़ा है हम पे गोली कौन चला सकता है नहीं बल्कि किंग का स्टाइल है स्टाइल किंग हाँ किंग लंगड़ा किंग अपने दुश्मनों को दौड़ा दौड़ा कर थकाने के बाद ही मारने वाला लंगड़ा किंग दुश्मन आप तो क्या हमारा तो कोई भी दुश्मन नहीं है हम तो प्यार दो प्यार लो करने वाले लोग हैं सर हम दुश्मन नहीं है आपको नंबर कौन सा चाहिए आपका गलत नंबर लग गया है सर तुम्हें क्या लगता था है? मुझे कभी पता नहीं चलेगा कि CSIS के वो ऑफिसर्स कौन हैं, जिन्होंने मुझे बर्बाद किया मेरे ड्रग्स पकड़वा दिए मेरे लूले भाई को अंधा करके मार दिया कमीनो बाहर आओ तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं सालों किंग रोई है बात मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है गलतफहमी हो गई है शायद हम वो नहीं है जो आप सोच रहे हैं हम लंगड़ा जरूर है लेकिन बेवकूफ नहीं मौत अब तुम लोगों की तरफ बढ़ती हुई आ रही है भाग सको तो भाग लो सर किसी बात कर रहे हैं सर आपसे बचकर कहाँ भागेंगे दुनिया बहुत छोटी है सर हमें मौका तो दीजिए अपनी पोजीशन सर एक सजेशन आप सोच के देखिए आप हमको मरवाइए मत आप हमको उठवा लीजिए किंग किसी को उठवाता नहीं बल्कि लोग खुद उठ उठ के उसके पास आते हैं आराम को रो हमने कब मना किया हम आते हैं ना आपके पास हम आए थे आप एड्रेस दे दीजिए हम पहुंच जाते हैं उठ के हाँ SMS करता हूँ चलेगा चलेगा ओके, हम वेट कर रहे हैं सर आपके SMS हाँ What's the program now, baby? The program is slightly changed, baby. After we get SMS. पट्टी बांध दी इनको पता ही नहीं किंग को तो हमने देखा है हाँ लेकिन हमारी लड़कियों को नहीं पाती कहते वो किंग को देख सकती है मुझे तो ये किंग बड़ा ढरकी सा लगता है बॉस अरे सही है अगर ये ढरकी निकला तो इसको तो लट्टू बना देंगे हमें अबे लग रहा पहुंच गए नमस्ते नमस्ते किंग जी ये लड़कियां कौन है गर्लफ्रेंड्स है हमारी इतनी सारी डर की है ये तो कुछ नहीं है सर बहुत सारी है हाँ आपका नाम सुन के डर गई इन्हें तो हम झूठ बोलकर लाए अच्छा लेकिन कौन सी किसकी है ले रहा इंटरेस्ट ले रहा है वैसे जो 25 से नीचे की दिख रही है ना आपको वो सब इनकी है बाकी सब मेरी हाँ। अब इनमें से कोई पसंद आ रही है तो रख लो घर की बातें अच्छी है ना सर क्या मतलब मेरा मतलब सर अच्छी है हमारा घर जैसा रिश्ता है इनसे बेचारी गवाह बनकर सबूत देने के लिए आई है यहाँ हमारे लिए आपको बताएं कि ऑफिस और घर से टाइम निकालकर हम इनके साथ ही तो रहते हैं अब एजेंटी वेजेंटी करने को कहाँ वक्त है झूठ झूठ बोले तो जान से मार डालूंगा मेरे आदमियों ने तुम्हें CSIS के हेडक्वार्टर में देखा है बिल्कुल देखा होगा सर वो एक्चुअली मुझे अपनी वाइफ को यकीन दिलाना था कि हम अंडरकवर एजेंट्स हैं जो हर गया था सर टीवी पर देख लिया था वो क्या है कि मेरी वाइफ थोड़ी पागल है वायलेंट हो जाती है
अच्छा बेवकूफ बना लेते हो अपनी बीवियों को। बनाना क्या है सर, वो तो होती बेवकूफ है। हाँ एक बार तो मेरी गर्लफ्रेंड के घर पर आ गई थी, मैंने अपनी गर्लफ्रेंड को बहन बना दिया, फौरन मान गई बेवकूफ। और वो 31 वाली नाइट, उस दिन तो सारी की सारी गर्लफ्रेंड एक साथ आ गई थी पार्टी में सर। एक तो सुसाइड करने लगी थी और हमारी वाइफ ने देखा भी उसे, लेकिन हमने मैनेज कर लिया। औरतों के मामलों में बिल्कुल एक्सपर्ट लगते हो। सर वो तो है। हम अपने मुंह से क्या तारीफ करें सर, हमारी जिंदगी में तो कई लड़कियां आई और चली भी गई, हम तो उनके नाम नंबर तक। सर वैसे लड़कियों के मामले में तो आप भी थोड़े, सर थोड़ा खुलिए ना सर। हाँ सर बोलिए ना सर, पट्टी निकाल दें। अभी पागल हो गए? इसका मतलब खामोशी का मतलब हाई होता है, मुझसे रहा नहीं जाना भाई साहब। सिंह जी, सिंह जी, ये सब क्या है शिवानी? वो किंग कहाँ है? तो किंग का आवाज तुमने निकाला? शिवानी ये सब मजाक है, शिवानी बेहोश मत होना, शिवानी। शिवानी भाभी, अरे भगवान के लिए बेहोश मत होना। ओ शिवानी, ओ दीवानी, बॉस को तो बैंड बज गया। मेरे पास और कोई चारा भी तो नहीं है, मैं आ रहा हूं तेरे पास। किशन तुम क्या कर रहे हो? आत्महत्या, सुसाइड। लेकिन तुम क्यों? मुझे ही तो करनी चाहिए। कितनी खुश थी तुम अपने हस्बैंड के साथ, मैंने उसकी पोल खोल दी और तुम्हें यहाँ तक पहुँचा दी। तुम्हारे मरने के बाद मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा, मैं जा रहा हूँ। नहीं किशन, मैं तुम्हारे वजह से नहीं, राज की वजह से मर रही हूँ। मुझे पता नहीं था कि वो ऐसा निकलेगा, उसने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया। धोखा उसने दिया, झूठ उसने दिया, मजे उसने दिए, गलती उसने की, पकड़ा वो गया, जान तुम दे दो। अरे जान तो उसको देनी चाहिए ना, तुम क्यों दे रही हो? मेरी समझ में नहीं आ रहा तुम कर क्या रही हो। संजना तुम समझ नहीं पाओगे, तुम औरत नहीं हो ना, समझ नहीं। हाँ लेकिन औरतों जितना समझदार जरूर हूँ मैं, तुम ही समझाओ, समझाओ मुझे, बताओ बताओ। मैं मर के राज को सिक्के की सजा देना चाहती हूँ। मैं मर जाऊंगी तब उसको एहसास होगा कि उसे खोया क्या है। तुम्हारे मरने के बाद तुम्हें कैसे पता चलेगा कि उसे एहसास हुआ या नहीं? हो सकता है जिसे तुम सजा समझ रही हो उसे वो मजा समझे और खुल खुल के अय्याशी करे। संजना कर तुम्हें उसे सजा देनी है तो जिंदा रह के दो, ताकि रिजल्ट का भी तो पता चले। तुम अपनी जान दे रही हो क्योंकि तुम्हारा राज वो पहले वाला राज रहा नहीं, वो बन जाएगा, उससे अच्छा बनेगा और मैं बनाऊंगा उसे। सर, ये हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता, जरूर हो सकता है। एक बार संजना मुझ पर विश्वास करके देखो, फिर देखो मैं क्या क्या करके दिखाऊंगा। और अगर कर नहीं पाए तो यहाँ कौन सी कल बिल्डिंग बनने वाली है? यहाँ आके कभी भी कूद जाना। Thank you.
इतनी मीठी धुन है, चाहे कितनी बार सुनो दिल ही नहीं भरता। एक अजीब सा दर्द है इसमें। मम्मा, मैं आपकी खुशी के लिए बजाता हूँ और आप है कि दर्द की बातें करती हैं। अरे संजना जी आइए ना, कस्टर्ड। नहीं मेरा मन नहीं कर रहा। ये राजू ने नहीं भिजवाया, मैंने बनाया अपने हाथों से। सुना तो काजू डाला, एक बार चम्मच लाया और बोलता कस्टर्ड वो खुद बनाया। ये लीजिए। कमीना, किसी ने कमीना कहा? नहीं सर। नहीं तो सर। नहीं ऐसे सुनाई दिया मुझे। नहीं सर। चलो काम पे चलो। यस सर। चलो चलो। आ आ आ फोन मुझे दो प्लीज। देखा माँ, वही है। किशन जी। हाँ जी। इतने दिन हो गए ना आप दीदी को राज से मिलने देते हैं और ना बात करने देते हैं, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। आप छोटी है ना जी, इसलिए आपकी समझ में नहीं आ रहा। राज ने गलती की है तो उसे सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि हम चाहते हैं कि राज संजना जी की जिंदगी में वापस आ जाए, और उसके लिए वी हैव टू पनिश हिम हार्ड। अब किसका है? वो ये आपका जमाई खंबे पे चढ़ा हुआ है, देखना मैं इसकी ऐसी की तैसी करता हूँ। हेलो, मैं राज बोल रहा हूँ, संजना को फोन दो। मैडम घर पे नहीं है। शट अप, मुझे पता वो घर पर है, फोन दो उन्हें। हम नौकरों ने तुम्हें धक्के मार के घर से निकाल दिया, फिर भी शर्म नहीं आती तुमको? बेशर्मों की तरह बार बार फोन किए जा रहे हो, अब क्यों नहीं जाते अपने दोस्तों के साथ रासलीला खेलने? मम्मी मुझे आदमी बिल्कुल ठीक नहीं लगता, दीदी का घर छोड़ा दिया, जब देखो यही पड़ा रहता है। अब तो मुझे लगता है जैसे इस घर का मालिक ये है और हम यहाँ पे मेहमान। देखो सीधे हो जाओ। सी, अब तो नौकर भी तंग आ गए इससे। कुकु, मम्मी आप पर तो ना इसने जादू कर दिया है। मुझे सिर्फ इतना पता है उसने मेरी बच्ची की जान बचाई है, मेरे लिए तो ये फरिश्ता है। और मेरा दिल कहता है कि संजना का घर फिर से यही बसाएगा। काम तो सारे घर तोड़ने वाले कर रहा है। धक्के खाने का शौक है तो आ जाओ, गेट पे ही मिलेंगे, बात करते हो। चलो। नौकर फोन काट रहे हैं, संजना कोई भाव नहीं दे रही है और तुम्हारे मुंह पे घर के दरवाजे बंद कर दिए जा रहे हैं, फिर भी तुम होकर संजना से मिलने के लिए पागल हुए जा रहे हो। पहले 10 मिनट नाराज होता था, उसके 20 फोन आ जाते थे, और आज इतने दिन हो गए उसकी आवाज तक नहीं सुनी मैंने। अरे यार तुम, और फिर गलती भी तो मेरी है। अरे चलो जल्दी क्लियर करो ये एरिया। अरे ऐसी छोटी मोटी गलतियां तो हम मर्द करते रहते हैं, उसमें क्या है? और तुमसे बड़ी गलती तो उसने की है। उसने क्या गलती की है? किंग का नाम लेके बेवकूफ बनाया उसने हमें। किंग तो उस दिन शहर में था ही नहीं, किसी मास्टरमाइंड की मदद लेके एक्सपोज किया उसने हमें। और दूसरी उससे भी बड़ी गलती की है। देखो औरत डोली में बैठ के घर पे आती है और अर्थी पे वापस जाती है, वो टैक्सी में बैठ के चली गई, गलती नहीं है ये। तो प्यार तो करती है ना तुमसे, कितने दिन लग रहेगी वापस आएगी? और नहीं तो वापस बुलाने के 2 तरीके हैं, एक तो आप माफ़ी मांगो, पैर पकड़ो, सैंडल उठाओ, योगी बन जाओ, और दूसरा तरीका मेरा है। देखो सुनो जी, इधर जॉगिंग करते करते गरम गरम चाय पिलाओ और ये पैच जल्दी क्रॉस कर लिया करो जी। ये तरीका मेरा, अब डिसाइड तुमको करना है, तुमको योगी बनना है कि विक्रम। बॉस, भाभी भी तो संजना की तरह घर छोड़कर चली गई थी, ये कैसे वापस आ गई? आ नहीं था, वही तरीका तो मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। हेलो, किसका फोन है? जी वो मेरे भाई का है। चाय आ रही है। ओके। हेलो, क्या हो रहा है वहाँ? एडवाइजर बन गए हैं राज के, उल्टी सीधी पट्टी पढ़ा रहे हैं बेचारे को। अच्छा सुनिए ना, वो बम तैयार हो गया क्या? हाँ, 2-4 दिन में दे दूंगा। अब जल्दी से दिलाई दीजिए भाई, एक बार इनके सड़क पे फोड़ दूं ना, दिल को सुकून मिल जाएगा। फोड़ देना फोड़ देना। तो राज बहुत परेशान है बेचारा, एक बार संजना से मिलवा दीजिए ना। मैं भी यही सोच रहा था कि मिलवाने का वक्त आ गया। ठीक है बहना, मिलवा देते। थैंक यू। हाँ बॉस। वेरी गुड, हम तुम्हें फोन करने के लिए मना कर रहे हैं और तुम मिलने चले गए।
यार हम दिन रात अपना दिमाग लगा रहे हैं, इतने बड़े बड़े आइडियाज निकाल के ला रहे हैं और तुम हो गए। छोड़ो ना बॉस, वैसे भी मूड ऑफ है, वो अभी तक आई नहीं है। ओ तो भाई साहब वहाँ बैठे मैडम का 2 घंटे से वेट कर रहे हैं। अरे थोड़ा पहले चले जाते यार, होटल की साफ सफाई भी कर लेते। चलो खैर अभी चले ही गए हो तो एक बात का ध्यान रखना, देखो अपने पे कंट्रोल रखना, बिच मत जाना। वो आएगी, आते ही लड़ाई झगड़ा करेगी, चीखेगी चिल्लाएगी, उसके बाद रोएगी, और जैसे ही रोए गले लगा लेना, सब ठीक हो जाएगा। बॉस, बॉस आ गए। तुम बहुत खुश हो, स्माइल। हाय, बैठो। क्या लोगी? कॉफी? तुम काफी पी चुके हो। हाँ यहाँ कॉफी काफी अच्छी है। एक्सक्यूज मी, टू कॉफीज प्लीज। तुम बहुत अच्छी लग रही हो। पहली बार देख रहे हो क्या? नहीं, तुम हमेशा अच्छी लगती हो, लेकिन आज कुछ ज्यादा ही अच्छी लग रही हो। अच्छा बताओ क्यों बुलाया मुझे? मैं जानता हूँ तुम मुझसे नाराज हो, गुस्सा हो, झगड़ना चाहती हो, तुम्हारे दिल में जो भी है ना आज निकाल दो। अब इन सब बातों का क्या फायदा? बताओ टाइम क्या हुआ है? 4 बजे। तुम्हें कहीं जाना है? हाँ, फिल्म जाने का प्रोग्राम था। तुम्हारा घर आने का क्या प्रोग्राम है? क्या मैं किसी होटल में रह रही हूँ? नहीं, मेरा मतलब हमारे अपने घर। उसके बारे में मैंने सोचा नहीं अब तक। सॉरी, मैं अभी आया। बाबा बाबा बाबा, क्या बात है, दिल में जो थी बात चेहरे पे नहीं आनी थी तुमने, इसके लिए तुम्हें मिलेगा ये क्या है? ऑस्कर। तुम्हें क्या पता मुझ पे क्या गुजर रही है? मगर मुझे ये पता है कि उसके दिल पे क्या गुजर रही है, बेचारा पागल हो गया। अच्छा सुनो, ये सब कॉफियों के बिल तुम भरोगी। बिल? मैं क्यों? यार तुम सवाल बहुत करती हो। और तुम जवाब नहीं देते। जवाब ये है कि मैं तुम्हें उससे मिलवाने नहीं बल्कि बिल भरवाने लाया हूँ, समझी? चुप करके बिल भरते ना। ओके? बिल? बिल भरा उसने? हाँ, तो इसमें क्या हो गया? क्या हो गया? अरे औरतें कभी बिल भरती हैं, वो भी वाइफ। ये सुनो जी, तुमने कभी बिल भरा आज तक? जी आपके होते बस देखा, सजना ने आज तक इससे पहले पर्स के अंदर हाथ डाला नहीं। नहीं, वो तुझको सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रही है कि अब के बाद से उसे तेरी जरूरत नहीं है। शी इज इंडिपेंडेंट, शी इज आजाद। ये गेम खेला जा रहा है, समझ रहा है ना? हाय। हाँ बहन, क्या हो रहा है वहाँ? वही सेम एडवाइजर्स, कोई फर्क नहीं है। किसका फोन है? जी, वो मेरे भाई का। ये तुम्हारा भाई कुछ ज्यादा फोन नहीं करने लग गया आजकल? वो टैरो का रीडर बन गया ना, आपका फ्यूचर बताता रहता है। हाँ भाई बोलो। बम मिल गया तुम्हें? मिल गया भाई, और आज इन पेपर्स में मैं उनसे साइन भी करवा लूंगी। देख लेना बहन, अगर उसने पेपर पढ़ लिया ना तो तुम्हारी जान ले लेगा वो। अरे डोंट वरी भाई, पेपर्स तो मैं उनको पढ़ने ही नहीं दूंगी, कुछ तो करूंगी। बॉस आप चाहते क्या है, संजना कभी वापस ना आए? अरे आए ना आए, अब तुम उस औरत के सामने और झुकोगे नहीं। औरत? She's my wife. ये हो क्या गया आपको? Anyways, my personal matter. Personal ना, अब ये personal नहीं रह गया है, अब ये पूरी दुनिया के मर्दों की इज्जत का सवाल बन गया है, और मैं मर्दों को हारने दूंगा नहीं। अब क्या है? अब बैंक में नया अकाउंट खुलवा रही हूँ, आपके सिग्नेचर्स चाहिए थे। राज, अगर आज तू हार गया तो ये औरतें हमेशा हमेशा के लिए जीत जाएंगी। लाओ चश्मा दो। चश्मे के ऊपर तो आप बैठ गए। पहले नहीं बता सकती थी? मेरे बोलने से पहले ही आप बैठ गए। तब क्या तुमसे पूछ के उठू बैठू मैं? अब मैं पढ़ दूं? मैं पढ़ दूं बैंक के पेपर्स? पेपर देख के पता चलता क्या है वो? लाओ पेन। हाँ क्या कह रहा था मैं? अब मर्दों को हारने नहीं दी। हाँ, अगर इस बार ये औरत जीत गई तो फिर समझ ले खेल खत्म, फिर हम किचन में बर्तन मांजेंगे, बच्चे पालेंगे, ये औरतें सोफे पर टांग पसार के T20 देखेंगी, और जहाँ तक मैं बोल रहा हूँ।
दो विटनेस भी चाहिए थे। अरे यहाँ तो बस एक ही है, दूसरा के बाजार से ढूंढ के लेके आऊं? नहीं, एक अगर राज कर देता तो मैं दूसरा अपने भाई पूछो। लाओ भाभी, मैं कर देता हूँ। थैंक यू। तो मैं क्या कह रहा था? अब मर्दों को हारने नहीं देंगे। वो तो पहले कह रहा था, अभी क्या कह रहा था? हम T20 देखेंगे। हाँ, गलत। मैं कह रहा था कि मुझे लगता है मुझे लगता है कि जहां तक औरतों को मैं जानता हूँ बॉस, ये औरत का काम हो ही नहीं सकता। ये वही है जो उस दिन नकली किंग बन के आया था, मास्टरमाइंड मेरे जैसा। ही इज राइट। तुम्हारा काम हो गया? जी। तो अपना काम ये है कि अपन को पता लगाना है कि वो है कौन, मास्टरमाइंड। ऐसी क्या देख रही हो कुकु जी? आपकी दीदी के साथ रोमांस नहीं, राज को वापस लाने की तरकीब सिखा रहा हूँ। किशन, मुझसे ये सब नहीं होगा। वाह, राज असली असली गर्लफ्रेंड्स रख सकता है, लेकिन तुम नकली बॉयफ्रेंड नहीं रख सकती। अरे संजना जी, मर्द चाहे जितने भी चक्कर चला ले चलता है, लेकिन जब बीवी का चक्कर चलता है ना, तो हमारे जो मर्द है वो चक्कर खा के गिर जाते हैं। तुम्हें उसने बहुत सताया ना, बहुत तड़पाया ना उसने तुम्हें, बहुत रुलाया ना? फिक्र मत करो, उसे अब हम रुलाएंगे। आइडिया बहुत अच्छा है, लेकिन ये नकली बॉयफ्रेंड भी तुम ही बन गए। कुकू जी, परा हूँ लेकिन अपना ही समझना। वैसे मुझे कोई शौक नहीं है, वो तो संजना ने मुझे कहा था कि एकदम स्मैशिंग एंड डैशिंग लड़का होना चाहिए ताकि उसके हस्बैंड को विश्वास हो सके। मैंने सोचा ऐसा लड़का कहाँ से ढूंढूंगा, इसलिए मैंने कहा खुद ही कुर्बानी दे देता हूँ। क्या कहना? और कितनी कुर्बानियां दोगे बेटा? लेकिन तुम्हारे इस नकली अफेयर की खबर राज तक कौन पहुंचाएगा? योगी, राज की बर्बादी की खुशी उससे ज्यादा और किसको होगी? राज, विक्रम, इसको क्या हो गया? दुश्मनों, वाइफ जब छोड़कर चली जाती है तो बहुत दुख होता है, लेकिन दुखों का पहाड़ तब टूट पड़ता है जब उसे किसी और से प्यार हो जाता है। माया भाभी को? नहीं नहीं, मैं नहीं मान सकता। क्यों नहीं मान सकता यार, अपने मुंह से बोल रहा है, इसी हालत देख लगता है सदमे से पागल हो गया बेचारा। अरे पागल मैं नहीं, पागल ये होने वाला है, संजना भाभी को प्यार हो गया है। लव 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 लव। ए, ये क्या बकवास कर रहा है? अरे अपनी आंखों से देख के आ रहा हूँ भाई। अपने आपके कानों से सुनी मैंने भाभी की बातें, धीरे धीरे उसके कानों में कभी कुछ कहती थी, कभी मुस्कुराती थी, जोर जोर से हंसती थी, और हाँ यू 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 गले लग के खड़ी थी उसके साथ। Shut up! अरे तो हंसता बोलना गले लगाना कौन सी बड़ी बात है, हो सकता है पुराना दोस्त हो। दोस्तों से कैसे गले लगता है मुझे भी मालूम है भाई, ऐसे ऐसे बीच में गैप होता है, गैप, वहाँ तो हवा जाने की भी जगह नहीं थी। टाइट मिलन योगी, एक सेकंड, हो सकता है यार ये मेरा शक सही तो नहीं, ये वो मास्टरमाइंड। बॉस, व्हाट आर यू सेइंग? एक बात सुन राज, मुझे सीरियस लग रहा है मामला, मैं पता करता हूँ, रुक जा। कौन आदमी था? फेस तो नहीं देखा लेकिन हैंडसम था। फेस नहीं देखा तो पर्सनालिटी भी कुछ होती है ना। हाई चेस्ट, बॉडी बॉडी, ब्लैक हैट पहने हुए खड़ा था, भाभी की कमर में यू हाथ डाला और ब्लैक मर्सिडीज में बैठ के यू चला गया। योगी, अगर तेरी ये बात गलत निकली तो मुझे जान से मार देना, मेरे साथ चलो और खुद अपनी आंखों से देख लो, मैं सब जानता हूँ भाभी उसे कहाँ और कब मिलने वाली है।
गाड़ी स्टॉप टू बोर्ड जी जी वो निकल जाएंगे बराबर कोशिश तो करो ये नोट्स क्या मैंने अपने लिए लिखे हुए बिल्कुल मेरे फ्लूट वाली जो आवाज है धुन कोई नहीं लगेगी अरे होगा ना अरे कैसे नहीं होगा एक बार कोशिश तो करो म्यूजिक जो है ना वो हाथों से नहीं दिल से बजता है दिल लगाओ यार दिल लगाओ कम ऑन एक बार दिल कोशिश दिल 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 ही तो नहीं लग रहा किशन किसी भी काम में पता नहीं कैसे कैसे ख्याल आते रहते हैं आजकल दिल कोशिश करती हूँ कि मैं राज के बारे में नहीं सोचूं पर चलो कोशिश तो कर रही हो तुम इट्स अ गुड स्टार्ट वैसे ऐसा नहीं हो सकता कि राज के बारे में ना सोचो और मेरे बारे में जस्ट एन आइडिया तुम्हारी मर्जी है लेना है लो नहीं लेना है मतलब कोई बात नहीं जस्ट एन आइडिया लोगी तो तुम्हारा ही फायदा है नहीं लोगी तो नहीं तो म्यूजिक कैसे सीख पाऊंगी ये हुई ना कोई बात तुम यूं ही हंसती रहा करो देखो कितना अच्छा चेहरा लगता है ऐसा नहीं है कि सैड सा चेहरा खराब लगता है वो भी अच्छा होता है उसकी भी बात अलग होती है लेकिन ऐसी बात नहीं है चलो बजाओ तुम राज को भूल जाओ मेरा मतलब है राज इज नॉट द प्रॉब्लम प्रॉब्लम विक्रम है ही इज द मेन कल्प्रिट बड़ा एडवाइजर बना फिरता है अब देखना आज के बाद उसे खुद एडवाइस की जरूरत पड़ेगी अरे काली टोपी वाले कौन है तू साले अब तू हेलो अरे आ गए आप मैडम वो तबीयत तो ठीक है तुम्हारी absolutely fine. और इसने काट तो नहीं लिया इसको इंजेक्शन भी लगे भी नहीं साले वो अरे पागल पागल तो नहीं हो गई घिसक गई क्या आपके लिए एक बड़ी खुशखबरी है सुना ये आपका नया चश्मा आ गया रीडिंग ग्लासेस ये खुशखबरी है बड़ी पहनेंगे तो खुशी होगी ना ये लो पहन लिया खुशी तो नहीं हो रही कैसे होगी उसके लिए आपको ये पेपर्स तो पढ़ने पड़ेंगे ना तुम्हारी सारी प्रॉपर्टी अब मेरी है सिग्नेचर्स है तुम्हारे राज के भी हैं विटनेस गुस्सा आ रहा है एक चश्मा टूटने से अगर किस्मत फूट जाए तो गुस्सा तो आएगा ही अंकल भैया मम्मी और अंकल क्या कर रहा है ये पैंट ढीली हो गई है ना टाइट कर रहे हैं अरे ढीली नहीं पैंट को उसको राइट आई वो तुम्हें पैंट को बाजर उसको मार खुशी मैं आवाज नहीं निकल रही है क्या शॉक लगा है ना
हाँ भाई, जी भाई, अरे फोड़ दिया बॉम्ब, थैंक यू भाई। कौन सा भाई? ये मेरा वही भाई है जिसने तुम्हें रास्ते पे लाने का ये आइडिया दिया। ये खिलौने की तरह गर्दन क्यों हिल रही है? स्प्रिंग लग गया है क्या? अभी अटक भी गई। Get out. ये बोली, get out. अब जाओगे कहाँ, रहोगे कहाँ, यही पूछ रहे हो ना? तुम्हारी इन तितलियों के पास चले जाओ। आज तक ये तुम्हारे खर्चे पे पली हैं, अब ये तुम्हें पालेंगे। इधर उधर मत देखो, get out. गार्ड्स, just checking. Okay. यार मेरा तो चश्मा टूटा हुआ था, लेकिन साइन करने के पहले तू तो पेपर पढ़ सकता था राज। सॉरी बॉस, मैं भी तो टेंशन में था। राज, तू अपने आप को ब्लेम क्यों कर रहा है यार? गलती तो इनकी है भाई। आप सारी दुनिया की औरतों को समझने का दावा करते हैं, लेकिन खुद की बीवी को आप समझ नहीं पाए। नहीं समझ पाया, अब समझा लोग क्यों बोलते हैं कि औरतों को बड़े बड़े ऋषि मुनि नहीं समझ पाए। अभी मैं क्या समझता? लेकिन ये तीन आदमी को तो समझना पड़ेगा। मेरी वाली का भाई, संजना का आशिक, तेरी वाली का फ्रेंड, अरे कौन है ये लोग भाई? हाँ बहन, थैंक यू, पराए हो, लेकिन आपने मेरे लिए जो किया वो कोई अपना भी नहीं करता। ओह कम ऑन सिस्टर, उस कमीने को तो रास्ते पे लाना ही था, साला मेरे काम में टांग। भाई थोड़ी देर में फोन करता। जो हमारी मदद कर सकते हो मेरे दोस्त। बात बाहर ना जाए इसलिए दरवाजा बंद कर दिया। We finished. तीनों? भाई, मैं पहले से ही था। ये दोनों तो अभी अभी एक्चुअली वो मेरी एक्चुअली इनकी वाइफ का अफेयर शुरू हो गया। कमाल है यार, पहले तुम्हारा चलता है फिर तुम्हारी वाइफ का, पूरी फैमिली में अफेयर ही चल रहा है क्या? कोई हुलिया शुलिया पता तुमको? हुलिया पता होता तो बिगाड़ नहीं देता। काली मर्सिडीज में घूमता है साला। काली मर्सिडीज तो 50 लोगों के पास है, मेरे पास भी है। हैट लगाता है ऐसे? हैट ऐसा है लेकिन पहनता ऐसे। एक मिनट, टर्न करो। किधर? इधर, वो साइड उधर। अरे पीछे से तो बिल्कुल तुम्हारी तरह दिखता है। फर्स्ट क्लास, आधा केस सॉल्व हो गया। आधा? हाँ, पीछे से मेरे जैसा है, आगे से ढूंढ लेंगे। तो फिर ऐसा है कि एक आदमी और है, तुम्हारी वाइफ भी? अरे नहीं यार, बात तो पूरी सुना करो, मेरी वाइफ का तो भाई है, उसने अपनी बहन का घर बर्बाद कर दिया है, उसने जीजा को ही घर से बाहर निकलवा दिया। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, उसे भी ढूंढ लेंगे। भाई ढूंढने ही निकले तो मेरी बीवी के बेस्ट फ्रेंड को भी ढूंढ लेना ना, जिसने पहले मुझे बर्बाद किया। भाई यार, तुम तीनों का दुश्मन एक ही तो नहीं है? एक कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? तुम तीनों अय्याश हो, आवारा हो, कमीने हो। नहीं, गाली नहीं दे रहा हूं मैं सिर्फ कड़ी से कड़ी मिला रहा हूं, और तीनों ही अपनी बीवियों के हाथों से बर्बाद हुए हो, सोचने वाली बात है। अभी तीन है कि एक है,
आप बस ढूंढ दो, काट के टुकड़े टुकड़े कर देंगे साले। कीमा बना देंगे उसका, कीमा। कीमे को बारीक रखना, उस कीमे को सीख में लपेट के, वो क्या बोलते उसको, सीख कबाब। सीख कबाब बनाएंगे उसको, लेकिन पहले ढूंढ तो लेने दो मुझे उसे। वो तो आप ढूंढ ही लोगे, चले। हाँ संजना, भाभी का जो बॉयफ्रेंड है ना, वो भी फ्लूट बजाता है। अच्छा देख लेना। ओके तुम्हें ढूंढने के लिए तुम्हें ही हायर कर लिया उन्होंने, फिर वो तुम तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे। भगवान का शुक्र अगर ना ही पहुंचे तो अच्छा है, वरना उन्होंने पता नहीं अजीब अजीब प्लान बना रखे हैं। मेरा सीख कबाब बना देंगे, कचुम्बर बना देंगे, कीमा बना देंगे, दोनों क्या क्या प्लान बनाते रहते वो लोग। बेटा एक तुम हो जो राज को सुधारने के लिए अपनी जान पर खेल रहे हो, और एक ये है जो उसको बिगाड़ने पे तुली है। पता है करवा चौथ का व्रत रखा है उसके लिए। अरे अरे यार, क्यों मेरी मेहनत पे पानी फेर रही हो तुम? हाँ जैसे ही उसे पता चलेगा वो समझ जाएगा कि बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का तो हम लोग नाटक कर रहे हैं। तुम अब तक उस कमीने की हो। उसे जो समझना समझ ले, करवा चौथ का व्रत है, मैंने हमेशा रखा है। रखने में प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है वो खोलने में। वो तो पति का थोबड़ा देख कर ही खोलते है ना, वो जाले में। जाला नहीं, छन्नी कहते उसे, छन्नी। छलनी, छलनी कहते उसे, छलनी। हाँ तो छलनी का प्रोग्राम कैसे बनेगा? तुम छलनी में देखकर आरती करोगी, पूजा करोगी तो गड़बड़ हो जाएगी ना सब। तो ठीक है, नहीं खोलूंगी व्रत। अरे संजना, संजना सुनो, तुम नहीं जानते कितनी जिद्दी है ये। अगर राज नहीं आया ना तो पागल लड़की भूखी प्यासी मर जाएगी। एक दिन साला तेल निकल आएगा यहाँ से। तेल तो आपका निकलेगा किशन जी, अब क्या करेंगे आप? करेंगे कुछ ना कुछ तो करेंगे, जिससे तुम्हारी दीदी का काम भी हो जाएगा और मेरा काम भी नहीं बिगड़ेगा। भाई किशन के कहने पर हम यहाँ आ तो गए, और कोई गड़बड़ तो नहीं होगी ना? क्या पता। देखो यार तुम लोग दोस्त हो इसलिए बता रहा हूँ, मेरा दिमाग आजकल ठीक से काम नहीं कर रहा है। उस हादसे से अंदर से हिल गया हूँ मैं। वैसे पागल वागल तो नहीं हो जाऊंगा ना? अरे नहीं भाई। नहीं आप पागल हो जाएंगे तो मुझे एडवाइस कौन देगा? नहीं, नहीं एडवाइस तो मैं ही दूंगा, लेकिन कितनी सही होगी पता नहीं। अभी तुम सही गलत छोड़ो यार, एडवाइस ले दे रहा हो बस। भाई मैं तो बोलता हूँ आज पाँव पकड़ के माफी मांग ही लेते। पाँव पकड़ा तो लात पड़ सकती है, हाथ जोड़ के माफी मांग लेते। भाई मेरी वाली दिखाई नहीं दे रही। तुम्हारी वाली आई नहीं है? Ooh.
यार हम भाग रहे हैं, तुम खेल रहे हो, छोड़ो इसको। शाबाश, इन्हें इस काली मर्सिडीज के पीछे लगाकर क्या टाइमिंग सेट कर दिए तूने बेटे। जैसे इनकी नजर संजना के आशिक पर पड़ेगी, भगवान ही जाने क्या होगा इन लोगों का। अबे ये तो किंग है। किंग हो मतलब इसने हमें बेवकूफ बनाया। जिस मास्टरमाइंड को हम लोग ढूंढ रहे थे वो कोई और नहीं, यही है। क्या किया इसने, समझाया था ना इसको? अरे यार राज, तेरी बीवी को भी यही मिला था इस लड़ाने के लिए। अबे क्या करें ये इस काम, क्या कर रहा है? अबे ये छोड़ मुझे, खुद भी मारेगा, हम लोगों को भी मारेगा। भाई समझाओ ना इसे। अरे नहीं यार, अभी अभी नहीं मारेंगे, मारेंगे राज, इसको इसके आदमियों ने देख लिया तो मारे जाएंगे। किंग, किंग तुम लोग भी यार ग्रेट हो। हार मुझे क्या ढूंढ खुद लिया तुमने? अरे सामने आ गया, क्या करते, वो भागा फिर हम भागे। वो भागा, किंग क्यों भागेगा? गलत था ना वो, गलत। वैसे किंग हो या बादशाह, जब आदमी गलत होता ना तो भागता है। हाँ ये तो अच्छा, सिर्फ कोर्ट हाथ में आकर किंग हाथ में आ जाता तो छोड़ देते, हम क्या कर लेते उसका। राज यार, तुम्हारी वाइफ तो शी इज ब्यूटिफुल, वंडरफुल, वो किंग के कैसे? जब मैं और बॉस नकली अंडरकवर कॉप बने थे, उसने हम पे अटैक करवाया था ताकि वो हमें एक्सपोज करके संजना की हेल्प कर सके। ओहो हो हो हो, तो तब से अफेयर चल रहा है? तब से नहीं, उस वक्त संजना सिर्फ हेल्प मांगने गई थी। हाँ अफेयर बाद में शुरू हुआ। यहां तो अफेयर था, लेकिन किंग ने आपको क्यों एक्सपोज किया है? आपकी बीवी का भाई। ओहो हो 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 हो, भाई है? हाँ, अरे किंग तो लोगों ने नाम रख दिया है तो भाई, मेरी बीवी फोन में बोलती रहती भाई 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 भाई, ये वही भाई, इस भाई को हम ढूंढ रहे थे। ओ, फिर तो मेरी बीवी का फ्रेंड भी वही है। इन दोनों का लॉजिक तो समझ में आता है, पर योगी तुम्हारा कनेक्शन? अरे कड़ी से कड़ी मिलाओ किशन भाई, हम तीनों की बीवियां बेस्ट फ्रेंड्स हैं, वो दो से रिश्ता जोड़ेगा तीसरी से नहीं, कड़ी से कड़ी मिलाओ। योगी कड़ियां तो जोड़ रही है। तुम्हारा शक सही है, ये तीन नहीं एक ही आदमी है। काश वो तीन होते, वो एक ही 300 के बराबर है, उसका क्या करें? जान से मार दूंगा उस कमीने को, कुछ भी हो जाए छोड़ूंगा नहीं उसे। मुझे छोड़ दो, मैं चला। अरे लेकिन केस अधूरा छोड़ो कैसे जा सकते हो तुम, कुछ तो हेल्प करो यार। हेल्प नहीं, पर आया हूं, लेकिन अगर अपना समझो तो एक आइडिया दू। देखो किंग की बीवी को भी ये शक है कि किंग का कहीं अफेयर चल रहा है, पागल हो गई इसी गम में। मेरे पास आई थी, कहने लगी हेल्प कर दो। मैंने कहा भाभी जी देखो, मैं ये केस नहीं ले सकता, मुझे कुछ दिन जीना है। तुम लोग तीनों उसके पास क्यों नहीं चले जाते? सबूत है तुम्हारे पास, तुम लोग तीनों गवाह बन जाओ, है
सारी डॉनगिरी निकाल देगी वो। और तू तो अच्छी तरह जानता है बीवी को अगर पता चल जाए कि हस्बैंड का अफेयर चल रहा है तो क्या हालत करती है, तू तो जानता है। तो मीटिंग फिक्स करूं तुम लोगों की? आ कर दो अभी को रास्ते। मेरे हस्बैंड किंग का अफेयर इसकी बीवी के साथ चल रहा है? घर ना आने के कैसे कैसे बहाने बनाता था। सीएसआईएस ने छोटे भाई को इनकाउंटर कर दिया, ड्रग्स का कंसाइनमेंट पकड़ा गया और आज आज खुद ही पकड़ा गया। डैडी मैं उस लंगड़े को लूला अंधा पैरा गूंगा बना दूंगी। कूल डाउन बेबी, कूल डाउन। लिसन बॉयस, अगर ये बात झूठ निकली तो। अरे सर, आपकी गोली हमारा सर। छह की छह गोली हम तीनों के भेजे में उतार देना आप। तो फिर चलो किंग के पास। कहाँ जा रहे हो यार? सर सर बहुत बड़ा डॉन है, गोली मार देगा। गोली तो क्या, हमारे सामने उसकी गोली तब नहीं निकलती जिस कंट्री में किंग जैसे बहुत डॉन्स हैं। लेकिन किंग मेकर सिर्फ एक है, हम डीटी। ड्रिंक लाओ, कम ऑन बेबी। डीटी साहब आ रहे हैं। डीटी बेबी, तुमको छुपना पड़ेगा। वेलकम डैडी, वेलकम डैडी, वेलकम। ओहो माय लवली वाइफ मैडी। डैडी आप लोग यहाँ अचानक कैसे? इनसे मिलवाना था, पहचानते हो इन्हें? नहीं, कौन है? ये वही है जिसकी वाइफ के साथ तुम्हारा चक्कर चल रहा है। बेबी तो बोल रही थी कुमारी हूँ। उधर क्या बात कर रहा है, इधर बात कर। डैडी मैं किसी की वाइफ को नहीं जानता। अच्छा अच्छा, मतलब बिना जान पहचान के तुम भाभी के साथ चिपक चिपक के फ्लूट बजा रहे थे। फ्लूट? अरे मैं सीटी नहीं बजा सकता, फ्लूट कैसे बजाऊंगा भाई। तो फिर गाना कौन गा रहा था? गाना छोड़ो, उस दिन तो ये ऊंचा कुचक कर डांस कर रहा था। अबे मैं सीधा चल नहीं सकता, ये डांस कैसे करूंगा? डैडी ये सब झूठ बोल रहे हैं। तो तू मेरे गवाहों को झूठा बता रहा है, सबूत दिखा इसे। ये क्या है, कोर्ट? ये कोर्ट है किसका? डैडी अब मुझे क्या पता ये किसका है। दे रहा है डैडी, आप खुद ही देखिए ना, ये कोर्ट मेरे साइज का ही नहीं है। अरे कोर्ट के साइज में लाएंगे ना तुझे मार मार के। मेरी वाइफ का बेस्ट फ्रेंड बनता है ना तेरा किंग। मुझे कुछ नहीं पता, मुझे कुछ नहीं पता। बहुत पढ़ रही है सर। इश्क में तो पड़ती है, अरे लोगों ने तो मजनू तक को नहीं छोड़ा। अरे लेकिन लला कुंवारी थी और सच्ची भी। पता तो करो, हमारी वाली। हमारी? मेरा मतलब आपकी वाली। झूठी निकली ना तो जान से मार दूंगा। लला, मेरा मतलब है बेबी, बेबी। भाभी को बेबी बुला रही है। अरे उम्र में छोटी भी तो है ना अपनी संजना इससे। Coming darling. डार्लिंग की बच्ची, ये कौन है, तेरा हस्बैंड? नहीं नहीं डार्लिंग, I'm still very much single. ओह थैंक यू। देखो सच सच बोलूं तो ये इनकी पत्नी तो नहीं है। देखा डैडी, मैडी खामखा मुझे इतना पीट दिया, मेरे कैरेक्टर पर शक किया। मैंने कहता था मेरा किसी की बीवी के साथ कोई चक्कर नहीं है। मैडी इसकी वाइफ के साथ नहीं है पर इसके साथ तो है। ये बेबी कौन लगती है तेरी बहन? इसके चक्कर में आप एक्सपोज हो गए, मिस्टेक से मिस्टेक हो गई भाई। अरे मिस्टेक क्यों बोल रहे हो यार, कंफ्यूजन हो गया। तुम्हारे कंफ्यूजन में मेरा तो फ्यूज उड़ गया ना। यू आर डेड, सदा छोड़ूंगा नहीं तुम लोगों को। तूने तब मारेगा ना जब मैं तुझे जिंदा छोड़ूंगी। मैडी डैडी, अरे ये क्या पागल बात, गिव मी द गन। अरे गन निकल गई, निकल लो। आई विल किल यू, निकल लो। तुम्हारे चक्कर में किंग पे गोलियां जलवा दी, अब क्या होगा? चला तो ठीक है, बचा तो हम भी नहीं बचेंगे भाई। उधर इधर। बॉस इज ऑन द वे। Thank you.
फिर बजा। केस सॉल्व हो गया, सारी कड़ियां छूट गईं। पीछे से तो ये था ही, आगे से भी यही निकला भाई। दिमाग घुमा के रख दिया तूने यार हमारा, हमसे ही खेल खेल रहा था। तेरे चक्कर में हम तेरा ये कोट उस किंग को पहनाने चले गए, उसकी तो पतलून उतर गई बिचारेगी। अब हमको छोड़ने वाला नहीं है वो। तो हम इसको कौन सा छोड़ेंगे? अरे कहां छोड़ेंगे, याद है उस दिन हमने क्या कहा था? कहा था कि जिस दिन वो मिल गया। वो कौन? वो कौन? वो यानी मैं। मैं जी। क्या करेंगे तेरा? टुकड़े टुकड़े कीमा कीमा। ओ कीमे क्या करें, कीमे का सीख कबाब बनाएंगे। याद नहीं रहा? याद दिलाएं? आओ याद दिलाएं। अकेला, इट्स नॉट फेयर। आप दोनों बैठ जाइए। योगी कम ऑन। आप भी भाई साहब। आप भी, चलिए चलिए बैठ जाइए। हाँ अब ठीक है, चलो। तुम्हें क्या लगता है ये मुझे हरा देगा? हार जीत का तो तब पता चलेगा ना जब दो दो हाथ होंगे। देखते हैं। ये तो हस्बैंड को बॉयफ्रेंड से लड़वा रही है। जहां तक औरतों को मैं देख लेते हैं ना, अभी जाने दे। वो कराटे वाले को जानता है, मार देगा उसको। एक मिनट। भाभी आप क्यों लड़वा रही हैं दोनों को? हम आप ही से पूछ लेते हैं ना, आप किसको जिताना चाहती हैं बताइए आप। इतना क्या सोच रही हो? भूल गई क्या ये तुम्हारा हस्बैंड है? नहीं होगी भैया, मैं कैसे भूल सकती हूँ कि ये मेरा हस्बैंड है, ये जिन्होंने मुझे हमेशा झूठ बोला, मुझे धोखा दिया, तड़पाया रुलाया, जिन्हें ये भी नहीं पता कि इनका सच जाने के बाद मैं खुदकुशी करने गई थी। और ये वो है जिसने मेरी जान बचाई, मेरे आंसू बोझे, मुझे हंसाया। और तुम्हें इससे प्यार हो गया? राज, जैसा तुम समझ रहे हो वैसा बिल्कुल नहीं है। शट अप! खुले आप इसके साथ घूम रही हो, गाने गा रही हो, मुझसे कह रही हो उससे लड़ो, और फिर ऐसा कुछ नहीं है। मुझे इस बात का दुख नहीं है कि तुमने मेरे प्यार को गाली दी, दुख तो इस बात का है कि तुमने मुझे अपनी तरह कैरेक्टरलेस समझा। मैं तुम्हें रोता हुआ नहीं देख सकता। क्या वो आंसू तो पोंछ रहा? सिर्फ बहुत शौक है ना तुझे दूसरों की बीवियों में आंसू पोंछने का। आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। राज, हाथ मत लगाना इसे। अभी तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रही थी तू, कहां गया तुम्हारा कैरेक्टर? अब
अरे मेरी आंखों में तो फिर भी शर्म थी, जो करता था तुमसे छुपकर करता था, लेकिन तुम इतनी गिर गई कि खुल के सामने आ गई। अभी मैं तुम्हें गलत समझ रहा हूं? नहीं, बिल्कुल सही समझ रहे हो। जो तुम सोच रहे हो ना वही सच है। अब बोलो क्या करना है, बोलो बोलो। मैं तुम्हें डाइवोर्स देता हूं। हेलो, कार्ड लाया हूं। कार्ड? राज के साथ साथ तुमको भी तो इनवाइट करना है, जरा एक कार्ड योगी को भी तो दो, फ्रेंड। या व्हाई नॉट, योगी साहब ये रहा। फ्रेंड? इन्हें भी तो दो, लेकिन उसमें मिसेज एंड मिस्टर नहीं, सिर्फ मिस्टर विक्रम लिखना भाई। ये कार्ड कैसा है? संजना की शादी का। जब से डिवोर्स हुआ तब से रो रही थी बेचारी। बड़ी मुश्किल से मैंने उसे चुप करवाया, तब जाके मानी है शादी के लिए। शादी तो बाद में होगी। मुबारक। उससे पहले इसकी बहरात मैं निकालूंगा। राज, तू पिया हुआ है, बैकी बैकी बातें कर रहा है। पोस्टमैन मौत का टेलीग्राम लेके आता है, लोग उसे नहीं मारते। मैं तो शादी का कार्ड लेके आया हूँ। उससे पहले मैं तेरा मुंह धोऊंगा। मुझे पता था आप लोग कार्ड की जगह कानून हाथ में ले लोगे, इसलिए लेके आओ पुलिस। आज तक अपने निशाने में तो मैं समझता हूँ वो कभी चूक कर रहे हैं। आराम से, आराम से। Oh my God.
किसको मारा? किसको लगा? My goodness, them! मैं पता नहीं कब निकलेंगे यहाँ से। आज निकल जाते तो अच्छा था। क्यों? कार्ड मिला था, संजना भाभी की शादी में तो चले जाते, यानी रोकने, शादी रोकने। भाई कुछ भी बोलो, साला है बहुत स्मार्ट, हमें उकसाकर अंदर डलवा दिया। जानता था हम अगर बाहर रहेंगे तो शादी नहीं होने देंगे। शादी मेरी संजना ऐसी नहीं थी, उसके लिए तो मैं ही सब कुछ था, मेरा घर उसकी दुनिया थी, मेरे सिवा उसने कभी किसी की तरफ देखा तक नहीं। और आज वो सब मेरी गलती है। उसकी आंखों पे अपने प्यार की पट्टी बांधी और खुद खुली आंखों से सारी दुनिया देखता रहा। धोखा दिया उसे, झूठ बोला, दुख दिया और आखिर में डिवोर्स। ये सब मैंने क्या कर दिया? अपने हाथों से अपना हस्ताक्षर तक उछाल दिया। Your bail's been approved. बेल? भाई अपनी बेल कौन करवा सकता? अभी सोचने का काम मुझे मत दो, दिमाग पे जोर पड़ता है। सामने देखेंगे, पता चल जाएगा। तुम लोगों के जाने के बाद क्या हुआ तुम्हें नहीं पता ना? नहीं भाई, बिल्कुल नहीं पता। मेरी बीवी ने मुझ पर गोलियां चला दी। और एक गोली तो उनके दिमाग में अभी तक अटकी है। हाँ, जब यहाँ गोली लगी तो दिमाग चला कि औरत मुझसे कितना प्यार करती है, मेरी जान भी ले सकती है। दोस्तों, मेरी कमर में रॉड पड़ी है, नहीं तो मैं नीचे झुककर तुम्हारे पैर छूता। नहीं, नहीं सर, आप टेंशन मत लीजिए, मैं हूं ना। थैंक यू। राज कहाँ जा रहे हैं? उस कमीने को मारने, ताकि मैं अपनी संजना को एहसास दिला सकूं कि मैं उससे कितना प्यार करता हूं। ए, हाथों से मारेगा क्या गजनी गंदो? राज पागल मत बन, उसे मारेगा तो खुद भी नहीं बचेगा। तू वहीं रुक, कहीं मत जा। किंग जी प्लीज, ये गोली मार के प्यार जताने का आइडिया मत दो। दुनिया के 99% हस्बैंड मार दिए जाएंगे, सब आपके जैसे लकी थोड़ी होते हैं। आपकी तो गोली अटक गई, आप यहीं रह गए, बाकी घर पर हो जाएगी, निकल लेंगे। मैं राज को आइडिया देता हूँ। राज कहाँ गया? वो तो गया। भाई रोको, पकड़ो राज। Come on.
तुमसे शादी कर रहा था ना ये मुबारकबाद तो तेरी। शट अप! गुस्से ने तुम्हें अंधा कर दिया है। गोली मारने से पहले ये तो देख लेती कि इधर क्या हो रहा है। वो देखो। देख लिया? ये बेचारा तो हमें मिलवा रहा था, फिर से शादी करवा रहा था हमारी। करवा नहीं रहा था मैडम, करवाऊंगा। भाई भूत ऐसे क्या देख रहे हो राज? तुम्हारे हाथ में जो बंदूक है वो असली है, लेकिन जो गोलियां थी वो नकली थी। हाँ राज, तुम्हारी बेल भी हमने किशन के कहने पर ही करवाई। एग्जैक्टली, क्योंकि अगर शादी में दूल्हा नहीं आता तो शादी कैसे होती? थैंक यू किशन, तुमने इन लोगों के जरिए हमारा उजड़ा हुआ घर बसा दिया। थैंक यू। तुम्हारे लिए राज का यही प्यार, यही जुनून देखना चाहता था मैं। भाई मैंने तुमसे वादा किया था कि मैं तुम्हें तुम्हारा पुराना राज वापस लाके दे दूंगा। मैंने अपना वादा पूरा किया। राज तुम्हें पता है कि जब मैं इसे पहली बार मिला था ना, तो इसके अंदर एक अजीब सी बेचैनी तड़प देखी थी मैंने। और जिस दिन ये मेरे कंधे पर सर रख के रोई ना, मुझे तभी पता चल गया था कि ये केस मुझे हंस हंस के सॉल्व करना पड़ेगा, वरना ये पगली रो रो के अपनी जान दे देगी। भैया, कोई भी प्रोफेशनल आदमी इतना पर्सनल होकर किसी की मदद नहीं करता। कोई तो ऐसी बात है जो तुमने आज तक हमें नहीं बताई? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। हाँ बेटा, मैंने हमेशा तुम्हारे इस हंसते हुए चेहरे के पीछे कोई बहुत बड़ा दुख छुपा देखा है। क्या है वो दुख? पराये है, लेकिन अपना समझते हो ना? तो बताओ, बताओ किशन। मेरी बीवी भी मुझसे बहुत प्यार करती थी। हाँ, हर घड़ी हर पहर हर दिशा में तुम हो, मैं देखती हूँ जिधर। मैं मुस्कुरा के तुम्हें जान भी ये दे दूँ, तुम मांग लो जो अगर। हाँ, हर घड़ी हर पहर हर दिशा में तुम हो, मैं देखती हूँ जिधर। अब मैं न रहूं और तू ना तू रहे, एक दूजे में खो जाए हम, मिल जाए इस कदर। हाँ, हर घड़ी हर पहर हर दिशा में तुम हो, मैं देखता हूँ जिधर। मैं मुस्कुरा के तुम्हें जान भी ये दे दूँ, तुम मांग लो जो अगर। उसने अपनी खुद तो मर गई, लेकिन मुझे जीने की सजा दे गई। उसे खोने के बाद मुझे पहली बार एहसास हुआ कि प्यार तो मैं सिर्फ उसी से करता था। अपनी बीवी को तो मैं बचा नहीं सका, लेकिन मैंने सोचा कि अगर उस जैसी किसी एक औरत को भी मैं बचा लूं तो शायद मेरी बीवी मुझे माफ कर दे। और मैं इस मिशन पे निकल पड़ा। फिर मैंने देखा ये तो हर तीसरे घर की कहानी है। मर्द साला बाहर अय्याशी करता फिर रहा है और औरतें घरों में पड़ी तड़प रही हैं, रो रही हैं। जो कमजोर है वो सुसाइड कर लेती हैं, जो मजबूर हैं वो घुट घुट के जी रही हैं। ऐसा क्यों होता है कि हम जिसे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, दुख भी हम सबसे ज्यादा उसी को देते हैं?
ऐसा क्यों होता है जो औरत हमारे लिए अपना घर बार माँ बाप भाई बहन सब कुछ छोड़ देती है, यहाँ तक कि अपना सरनेम तक बदल लेती है, उनके लिए हम अपनी एक छोटी सी आदत नहीं बदल पाते? ऐसा क्यों होता है कि औरत हमारे प्यार के सहारे जीती है और हमें हर रोज एक नया प्यार चाहिए? हम क्यों भूल जाते हैं कि जितनी जरूरत उन्हें हमारी है, उससे कहीं ज्यादा जरूरत हमें उनकी है? योगी की भी सेटिंग हो रही है, या मेरा भी कुछ हो जाता ना, मतलब मैं जाता हूँ कुछ सेटिंग करता हूँ मैं भी यार। नकली आंसू लेके जाओगे? नकली लग रहे हैं यार, असली आते नहीं है ना। खैर जो भी कहना दिल से कहना। दिमाग तो काम ही नहीं कर रहा ना बहुत दिनों से, इसलिए कंफ्यूजन है कि बांध जाएगी तो प्रॉपर्टी मेरे नाम पे कर देगी ना। यार तुम दिल से प्रॉपर्टी निकाल नहीं सकते हो? नहीं चलो निकाल दी तो फिर मान जाएगी? हाँ मान जाएगी। हाँ तो मान जाएगी तो फिर प्रॉपर्टी नाम पे कर देगी? यार तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। क्यों? तुम एक काम करो, इस लड़की को भूल जाओ। नहीं यार, नहीं भूल नहीं सकता इस लड़की को यार, क्योंकि क्योंकि किशन भाई जब से ये औरत मेरी जिंदगी में आई है तब से मेरी किस्मत खुली है। मेरा नाम बना, मेरी प्रॉपर्टी बनी, ये मेरी किस्मत है। इसने मुझे कहां से कहां पहुंचा दिया, क्योंकि यही एक औरत है जिसके साथ मैं अपनी जिंदगी गुजार सकता हूँ। दूसरी तो तुम्हें झेल भी नहीं पाएगी। सही है, लेकिन एक ही डर है, अगर ये नहीं मानी ना तो मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगा। ये मानेगी? कैसे? गर्दन लाओ तो बताओ। अरे नहीं यार, तुम एक बार करके तो देखो। मैं कह रहा हूँ करके तो देखो। देखो जितना औरतों को मैं समझता हूँ। कहाँ समझते हो तुम? तुम औरतों को कहाँ समझते हो? नहीं समझते। जाओ। शिवानी क्या है? कुछ कहना है। पको। मेरी जान की कसम सच्ची। माँ किशन भैया कहीं नजर नहीं आ रहे? चला गया वो। कहाँ? किसी और संजना का घर बसाने।